गुड इवनिंग बेटा, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जल्दी बता दीजिए। कैसे हैं भाई सब लोग? तो आज जो है बेटा आपके लिए एक सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सीरीज का नाम है निर्णायक। और इस सीरीज को क्यों स्टार्ट किया जा रहा है, मैं एक से दो मिनट दूंगा लूंगा आपके और बताऊंगा। तो सबसे पहले मुझे चैट में बताओ कि आप मुझे सुन और देख पा रहे हैं। अगर आप सुन और देख पा रहे हैं और मैं लाइव हूं तो मुझे फटाफट से बताना कि मैं लेक्चर को अब स्टार्ट कर सकता हूं। बिल्कुल फास्ट रहेंगे, चीजें कैसे करनी है ये मैं सारा बताऊंगा आपको और फिर एकदम फटाफट से स्टार्ट करेंगे। जल्दी बताइए बेटा, जल्दी बता दो क्या आप मुझे सुन और देख पा रहे हो? ऑडियो वीडियो क्लियर है? जल्दी बताओ बेटा, ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ, द्रोणा सीरीज में क्या पेंडिंग है तेरा? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, बस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट, मैं परिवर्तन सही दे दूंगा आपको, नहीं करना उसको, मैं नहीं करा रहा, आप उतना कर लो। तो मैंने प्रिंसिपल करा दिया, मॉलिक्यूलर करा दिया, मैंने क्या करा दिया बेटा, तीनों चैप्टर इकोलॉजी के करा दिए और मैं माइक्रोब्स करा दूंगा तुझे। तो तेरा लगभग हो गया है खत्म उसके हिसाब से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट, रिकॉर्डेड दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पर अगर तू पूछ रहा है कि सर द्रोणा और संजीवनी, तो उसमें बहुत थोड़ा थोड़ा रहा, इसके साथ वो कराते चलेंगे। अब यहां से बहुत जरूरी है कि हम आपको रिविजन की तरफ लेके चले। होता क्या है बेटा, होता क्या है कि दिशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप सब लोग पहले मुझे चैट में क्लियर कर दो कि क्या आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है, तो हम लेक्चर को स्टार्ट कर लेंगे और फिर मैं चीजें बताकर फिर फटाफट से स्टार्ट करता हूं। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी फास्ट, ठीक है। देखिए, अभी तक आप में से बहुत सारे बच्चे बैचेस में पढ़ रहे हैं, बैचेस में उन्होंने जल्दी जल्दी से सिलेबस कंप्लीट भी किया है। तो अब साथ के साथ आपका ट्वेल्थ का सिलेबस भी चल रहा है। तो हमारा ये फर्ज बनता है, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि आपको किसी तरीके से इलेवेंथ को रिवाइज करने का तरीका निकाला जाए। हमने वन शॉट के थ्रू संजीवनी और द्रोणा में काफी कुछ करा दिया। अब हमें ये लग रहा है यार लेक्चर बहुत हो गए। तो ये जो निर्णायक सीरीज है ना, इसके अराउंड मैंने कुछ चीजें प्लान की हैं। सबसे पहले जिस भी चैप्टर को हम लेकर चलेंगे उसका मैं आपको पॉडकास्ट दूंगा। आप में से बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा कि कल फोटोसिंथेसिस का पॉडकास्ट आया था। पॉडकास्ट का मतलब मैं वर्बली सारा रिवाइज करूंगा। तो पहला तो ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि क्या हम एनसीईआरटी के थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। ये हम निर्णायक सीरीज में करने जा रहे हैं। मैं एनसीईआरटी भी कराऊंगा और मैं साथ के साथ आपको क्वेश्चंस कराते हुए चीजों को रिवाइज करूंगा। क्वेश्चंस का लेवल, क्वेश्चन का स्तर हम वो रखेंगे जो एनसीईआरटी में है और साथ के साथ नीट में आएगा। इससे थोड़े से ऊपर के लेवल के क्वेश्चन, 20, 25, 30 क्वेश्चन मान लो, एक काम करेंगे 30 या 50 क्वेश्चन के आसपास का एक असाइनमेंट जो आपका हल्का सा लेवल अप करेगा वो हम देंगे टेलीग्राम पे। तो ये सीरीज कैसे चलने वाली है मैं बता देता हूं। सबसे पहले आपके पास बेटा, आपने इस चैप्टर की थ्योरी पहले से पढ़ी हुई होनी चाहिए। वो आप कहां से पढ़ोगे, वो आपको पढ़ी होनी चाहिए हमारे वन शॉट से, जहां से भी देख लो, या आपने बैच में पढ़ी होनी चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है उस थ्योरी को आप कैसे रिवाइज करोगे, नोट से रिवाइज करके आओ। कोई एनसीईआरटी रीड नहीं करनी आपने, सिर्फ नोट से रिवाइज करके आओ। तीसरा आपने क्या करना है, पॉडकास्ट के थ्रू उसकी मल्टीपल रिवीजन आप करते रहोगे एग्जाम में, और यहां पर हम क्वेश्चंस के थ्रू आपको थ्योरी बढ़िया से करा देंगे। सर क्या एनसीईआरटी भी कराओगे? यस, एनसीईआरटी साथ कराएंगे, ये मेरा प्लान है। अगर आप इसमें चाहते हो कि कुछ और चीजें कर सकते हैं, मैं बता सकता हूं और क्या कर सकते हैं इसके साथ बेटा। ये कर सकते हैं कि जो भी एनसीईआरटी में यहां पढ़ाऊंगा उसकी पीडीएफ एक ऐसी पीडीएफ जिसपे कुछ लिखा हुआ नहीं होगा, वो पीडीएफ जिसमें क्वेश्चन लिखे होंगे वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूं। उसके साथ मैं कुछ लेवल अप क्वेश्चन, मतलब कुछ मुश्किल क्वेश्चन सोचने वाले 20, 25, 30 वो टेलीग्राम पे डाल दूं। उससे आपको क्या हो जाएगी, इंप्रूवमेंट हो जाएगी। क्लियर है बेटा, बता दो जल्दी से, उससे आपको इंप्रूवमेंट हो जाएगी, क्लियर है? यस 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 यस, हां थ्योरी कराऊंगा कुछ ना कुछ, यस, ठीक है। तो आप में से कौन कौन बच्चे इसे कर सकते हैं? जो बच्चे बैच में है क्या उसे कर सकते हैं? हम लोग छोटा रखेंगे सेशन को, सेशन बायो का लगभग हम 1.5-2 घंटे से ज्यादा का सेशन रखेंगे ही नहीं, उससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, पहला पॉइंट ये है। और जो बच्चे इस साल नीट का एग्जाम देने वाले हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट है, क्या वो उससे रिवाइज कर सकते हैं? यस कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट कर ले बेटा, फटाफट से स्टार्ट कर ले, जल्दी बताओ स्टार्ट करें।
यस मुझे बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एक लेक्चर है वो देना है, मैं इस वीक में ट्राई करता हूं देने के लिए। ठीक है स्टार्ट कर ले, एक बार चैट में बता दो। ठीक है तो किस तरीके से निर्णायक चलने वाला है मैं एक बार क्लियर कर देता हूं, किस तरीके से आपका निर्णायक चलने वाला है। सबसे पहले आपको मैं यहां पर थ्योरी प्लस क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, उसके साथ मैं आपको पॉडकास्ट एक दिन पहले या एक दिन बाद कभी भी दे सकता हूं, जनरली एक दिन पहले पॉडकास्ट दूंगा। उसके साथ मैं आपको देने वाला हूं कुछ 20 से 30 क्वेश्चन का लेवल अप का असाइनमेंट। लेवल अप क्या हो सकता है, एक ऐसा असाइनमेंट जो आपको क्या करेगा थोड़ा सा मुश्किल होगा, ऐसा एक असाइनमेंट दे सकता हूं। ठीक है क्लियर है। आपने क्या करना है, आपने किसी भी वन शॉट से या अपने बैच से कहीं से भी लेक्चर को देखना है और आकर यहां पर इसको रिवाइज करना है, बस आपने ये काम करना है। साथ के साथ आपके पास कोई नोट्स होंगे उसको रिवाइज करना है। उसके बाद यहां से आपको क्या हो जाएगा, यहां से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी और एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है ये क्लियर हो जाएगी। तो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा सेशन को, अब हम फटाफट से स्टार्ट कर रहे हैं जो भी बच्चे जुड़ गए। ठीक है क्लियर यस। अगर कोई बच्चा फ्रेशर है ट्राई करो आ सकता है, पर ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जिनको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता, बिल्कुल भी कुछ नहीं आता तो वो पहले बेटा देखो मैं झूठ बोल के प्रॉमिस नहीं करता हूं कि यार एकदम जीरो से हीरो बना देंगे दो घंटे में, ऐसा कोई लेक्चर ही नहीं है। ये जो बात कही जाती है ये झूठ होता है क्योंकि उसमें कोई ना कोई कंटेंट छूट जाता है। ये लेक्चर बिल्कुल बेसिक से समझ आएगा, सारी चीजें समझ आएंगी। क्या हम यहां पर थ्योरी पढ़ेंगे यस, क्या हम क्वेश्चन करेंगे यस, क्या हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर पाएंगे समझते हुए यस यस। तो जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी ये चैप्टर आता है वो इस लेक्चर को देखे आराम से, और जिनको नहीं भी आता वो थोड़ा सा देख के पर एक बार आपको वन शॉट से थ्योरी देखनी चाहिए। ठीक है बेटा चल रहे स्टार्ट कर रहे हैं आइए। हाँ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मुझे पता है देना है तो स्टार्ट करेंगे बेटा। देखो क्वेश्चंस मैं लिख के लाया हूं हाथ से, इसका मतलब मैंने लेक्चर से पहले कम से कम भी 3-4 घंटे इस पर मेहनत करी है। तो आप अपनी एनसीईआरटी एक बार अपने पास रख लीजिए और हम साथ के साथ चलेंगे चीजों को समझते हुए, क्या है चैप्टर क्या है। मैं थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा फिर स्टार्ट करेंगे। आपको हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स का मतलब होता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इनके अंदर जो फोटोसिंथेसिस होती है वो ऑक्सीजन बनाने वाली होती है। कैसी होती है बेटा, ऑक्सीजन बनाने वाली होती है। तो हमने यहां पर जो लाइनें इंपॉर्टेंट है इस पूरे पैराग्राफ में जो ये लिखा हुआ है उसमें ये लिखा हुआ है कि हमारे पास जो ग्रीन प्लांट है, ध्यान से सुने बेटा, हमारे पास जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, फूड बनाते हैं। वो क्या करते हैं, फूड बनाते हैं। अब ये फूड क्या है, फूड का मतलब है वो इनऑर्गेनिक CO2 से ग्लूकोज बनाते हैं। यहां पर एनसीईआरटी क्लियरली लिखती है कि सिर्फ ग्रीन प्लांट खाना बनाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या ग्रीन प्लांट्स के अलावा कोई और भी खाना बनाता है, यस बैक्टीरिया खाना बनाता है। तो हम क्या करेंगे, कुछ इन लाइनों को देखेंगे कि ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग वो प्लांट पर डिपेंड है फूड के लिए, यस। और ग्रीन प्लांट्स क्या है, वो फूड बनाते हैं किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। इसीलिए उन्हें क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। आप याद करो हमने ऑटोट्रॉफ को दो पार्ट में पढ़ाया था, एक पढ़ाया था हमने कीमो और यहां एक पढ़ाया था फोटो। फोटो को भी हमने दो पार्ट में पढ़ाया था, ऑक्सीजन बनाने वाले जो हायर प्लांट है और एनऑक्सीजनिक जो बैक्टीरिया होते हैं, सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये बताया था। तो यहां पर ये कह रहा है बेटा कि ऑटोट्रॉफिक का मतलब ये हायर प्लांट की बात कर रहा है, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज फाउंड ओनली इन प्लांट। ये वो लाइन है जो आपको फंसा देगी। ओनली का क्या मतलब है, ये इस चैप्टर के रिस्पेक्ट में कह रहा है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन सिर्फ ओनली प्लांट में होता, ऐसा नहीं होता, वो कुछ बैक्टीरिया में भी होता है। तो पहला क्वेश्चन करेंगे, स्टार्ट करिए पहला क्वेश्चन। फूड सिंथेसाइज बाय ए ओनली प्लांट, प्लांट एंड सम बैक्टीरिया, हेटरोट्रॉफ एंड ओनली मोनरा। क्वेश्चन बताइए बेटा फूड कौन बनाएगा। यहां से तो ओनली प्लांट लिखा है, पर क्या हम लिख सकते हैं ओनली प्लांट या प्लांट के साथ कुछ बैक्टीरिया या हेटरोट्रॉफ फूड बनाएंगे या ओनली मोनेरा फूड बनाएगा। क्या आंसर आएगा जल्दी बताओ बेटा, क्या आंसर आएगा जल्दी बताओ, क्या आंसर आएगा जल्दी। सर यहां से आंसर आ रहा है हमारे पास बी, यस बी। तो फूड हमारे पास, ये पूरा पैराग्राफ से ये बोल रहा है कि ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, यहां पर ओनली प्लांट वर्ड नहीं होना चाहिए, यहां मोनेरा भी होना चाहिए, यस ठीक है। नॉट ट्रू फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक प्रोसेस है, यस। CO2 से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, यस। फिजिको केमिकल रिएक्शन है, ये लिखा है एनसीईआरटी में, फिजिको केमिकल, यस। एंजाइमेटिक प्रोसेस है, यस, डी आएगा ऑल।
तो ये दोनों क्वेश्चन में मुझे एक बात समझ में आई कि फोटो ऑटोट्रॉफ फोटोसिंथेसिस हमारे पास ग्रीन प्लांट करते हैं, और भी ऑर्गेनिज्म है जो लाइट यूज करके खाना बना सकते हैं, वो कुछ मोनेरा होते हैं। क्लियर है यहां तक? यहां तक समझ में आ रही है? दूसरा, हम फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास खाना बनता है। फिजिको केमिकल मतलब गैसेस एक्सचेंज होता है, साथ के साथ केमिकल रिएक्शन होते हैं, ये एंजाइमेटिक है। आगे चलते हैं बेटा, सेकंड पैराग्राफ की बात करते हैं, ध्यान से सुनेंगे आप। सेकंड पैराग्राफ में एनसीईआरटी क्या बोल रही है, देखो बेटा, कि प्लांट यूज करते हैं सनलाइट। अब सेकंड पैराग्राफ जो आपके पास एनसीईआरटी में फर्स्ट पेज पे दे रखा है, वहां पर दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फोटोसिंथेसिस अर्थ पे दो काम करते हैं, पहला वो ऑक्सीजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? ऑक्सीजन बनाते हैं। दूसरा वो क्या काम करते हैं? वो खाना बनाते हैं। किसके लिए? फूड चेन के अदर मेंबर्स के लिए। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि एक तो वो ऑक्सीजन बनाते हैं, दूसरा वो क्या करते हैं, देखो बेटा, एक तो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन ये रहा, और प्राइमरी सोर्स है फूड के लिए। यहां तक समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो रोल ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या क्या है? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते हैं, सोर्स ऑफ फूड है, यस, ऑक्सीजन बना रहा है, यस, यूज ऑल CO2। ये जरा बताओ कोई, क्या प्लांट सारी CO2 यूज करते हैं या CO2 कहीं और भी यूज होती है? कौन बताएगा? प्लांट क्या सारी CO2 यूज करते हैं या CO2 कहीं और भी यूज होती है ओशियन में? ये कहां लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है इकोसिस्टम में कि ओशियन भी CO2 यूज करते हैं। तो ये ऑप्शन नहीं है बेटा, आंसर आ जाएगा डी। क्या आंसर आएगा? डी। चैट में बताओ जल्दी से आंसर क्या आ रहा है बेटा, आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, जल्दी बताओ चैट में, जल्दी जल्दी फास्ट। जल्दी जल्दी चैट में बताओ बेटा, यस, चैट में बताओ। तो आंसर यहां पर क्या आ रहा है हमारे पास, क्या आ रहा है? डी आ रहा है। अब आगे आ जाओ, फोटोसिंथेसिस इज क्या क्या है? रिडक्शन ऑफ CO2 है। रिडक्शन ऑफ CO2 का मतलब CO2 में से हम ये बना रहे हैं, तो क्या ये रिडक्शन है? क्या ये रिडक्शन है? हां सर, हाइड्रोजन आ रहा है, यस। दूसरा, इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक है, CO2 से ग्लूकोज बना रहे हैं, यस, क्लियर है। पानी टूटता है क्या इसमें? यस टूटता है, इसलिए आंसर क्या आएगा? डी आएगा। तो दोनों क्वेश्चंस का आंसर मेरे पास क्या है? डी। चेक करो जल्दी से चेक करो बेटा, जल्दी चेक करो, यस 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 यस। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि पूरे पहले 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 पेज पे एनसीईआरटी के काम की सिर्फ दो तीन बातें हैं, पहला है फिजिको केमिकल प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होता है पर कुछ बैक्टीरिया में भी होता है, ये ध्यान रखें। हम जिस फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं वो ऑक्सीजनिक है, ऑक्सीजन बनाने वाली है। अब एनसीईआरटी ये कहती है कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं जिनके थ्रू फोटोसिंथेसिस के बारे में हमें पता चला है। अब वो एक्सपेरिमेंट कौन कौन से हैं, उसमें सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है हमारे पास, ध्यान से सुनेंगे, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है हमारे पास वेरिजेटेड लीफ का। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, जो एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन कहती है कि फोटोसिंथेसिस के लिए मुझे पिगमेंट चाहिए, मुझे लाइट चाहिए, मुझे CO2 चाहिए। तो रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? क्या है बेसिकली? लाइट है, पिगमेंट है, CO2 है, ऑल है, ऑल आएगा यहां पर। बात समझ में आ रही है? और अगर आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 6, ये देखो, हायर प्लांट्स किसकी बात कर रहे हैं हम? जिम्नो और एनजियो, यस और नो? जिम्नो और एनजियो, उनमें किस तरह की फोटोसिंथेसिस होती है? क्लियर, किस तरह की फोटोसिंथेसिस होती है? ऑक्सीजन बनाने वाली होती है या ऑक्सीजन ना बनाने वाली होती है, या उनमें पिगमेंट होते हैं क्रोमेटोफोर, ये किसमें होता है? कौन बताएगा जरा चैट में बताओ, ये किसमें होता है बेटा, ये किसमें होता है? क्रोमेटोफोर वाला, ये किसमें होता है सर? ये साइनोबैक्टीरिया में होता है, हायर प्लांट्स में नहीं होता। तो हायर प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस होती है ऑक्सीजन बनाने वाली होती है, और फोटोसिंथेसिस के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो हमने दे दी यहां पर लिख दिए। क्लियर है? आगे चले देख बेटा, क्वेश्चंस के थ्रू जा रहे हैं, आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए। अब क्या था बेटा, हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है, जो पहले दो एक्सपेरिमेंट दे रखे, एक दे रखे अर्लियर क्लासेस के, मतलब क्लास 10th के। उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया है, लीफ ली गई है, ध्यान देंगे बेटा, हमारे पास लीफ ली गई है, एक वो लीफ है जिसमें ये ग्रीन एरिया है और एक नॉन ग्रीन एरिया है। तो ग्रीन एरिया में मेरे पास फोटोसिंथेसिस हो रही है, ऐसी लीफ को कहते हैं वेरिजेटेड लीफ, यस। और लीफ के अगर मैं आधे पार्ट को ब्लैक पेपर से कवर कर दूं, ये एक्सपोज पार्ट है,
तो इसमें मेरे पास स्टार्च दिखेगा, मेरे पास इसमें क्या दिखेगा बेटा, इसमें मेरे पास क्या दिखेगा, स्टार्च पॉजिटिव है, ये वाला पार्ट क्या है, स्टार्च पॉजिटिव है। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट क्या है हमारे पास, दो तरह की लीफ है, एक लीफ जिसमें ग्रीन और नॉन ग्रीन एरिया है, दूसरी लीफ ये है जिसमें ये पार्ट कवर है, तो इसमें जो एक्सपोज पार्ट है वो स्टार्च के लिए पॉजिटिव है, यस और नो, यस। तो वेरिजेटेड लीफ टेस्ट पॉजिटिव फॉर स्टार्च, देखिए यहां से ग्रीन एरिया, नॉन ग्रीन एरिया और एंटायर लीफ या नन, बताओ, क्योंकि लीफ वेरिजेटेड है, इसमें आंसर आएगा ए। और अगर ये नॉर्मल लीफ लिखा रहता, अगर यहां पर नॉर्मल लीफ लिखा रहता तो दोनों तरह का एरिया, मतलब पूरी लीफ में मेरे पास स्टार्च दिखता, पूरी लीफ में जब स्टार्च दिखेगा जब नॉर्मल लीफ होगी। वेरिजेटेड लीफ वो होती है जिसमें ग्रीन और नॉन ग्रीन एरिया है, यहां तक समझ में आ रहा है? तो ये पहला एक्सपेरिमेंट है जो क्लियरली बोल रहा है कि ग्रीन एरिया में फोटोसिंथेसिस होती है। क्लियर है बेटा, क्लियर है? तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी से आपसे पूछ सकती है। अब आगे आ जाओ, एक एक्सपेरिमेंट और है जहां पर उसने बोला है कि यार हम टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, टेस्ट ट्यूब में यहां कॉटन में KOH रख देंगे और लीफ का आधा हिस्सा यहां पर, ये यहां पर वो CO2 ये KOH एब्जॉर्ब कर लेगा, ये वाला पार्ट एक्सपोज है, ये वाला पार्ट क्या है, एक्सपोज्ड है। क्लियर है? तो आपकी एनसीईआरटी क्लियरली कहती है कि मेरे पास KOH है जो क्या एब्जॉर्ब करेगा, CO2, ठीक है, और जो एक्सपोज पार्ट है, एक्सपोज पार्ट कौन सा है, जो पार्ट मेरे पास सन को एक्सपोज है वो पॉजिटिव टेस्ट होगा स्टार्च के लिए। तो लीफ पार्ट प्लेस्ड इन टेस्ट ट्यूब विद KOH इन कॉटन, उसमें क्या स्टार्च बनेगी या कोई CO2 नहीं होगी, या स्टार्च नहीं बनेगी, कोई CO2 नहीं जाएगा, या लाइट नहीं पड़ेगी, लाइट तो पड़ रही है, दोनों पार्ट पे लाइट पड़ रही है, ना उसमें CO2 जा रही है ना स्टार्च बन रहा है, इसमें आंसर यहां पर क्या आएगा, डी। समझ में आ रहा है? आंसर क्या आएगा, डी बेटा, यस भाई। देखो मेरी बात सुनो, जो ये पार्ट है यहां इस वाले पार्ट में जो टेस्ट ट्यूब के अंदर है वहां CO2 नहीं मिलेगी क्योंकि KOH पे चलेगी, और ये वाला पार्ट जो है वो स्टार्च इसमें बनेगा नहीं, तो स्टार्च नहीं बनेगा ना CO2 होगी, तो इसलिए क्या लिखेंगे, बोथ ए एंड बी। क्लियर है यहां तक? ठीक, यहां तक ठीक। तो इसका मतलब हम एक्सपेरिमेंट को डिस्कस कर रहे हैं अभी। अगला एक्सपेरिमेंट क्या था बेटा, अगला एक्सपेरिमेंट था, मेरी बात सुनेंगे, अगला एक्सपेरिमेंट था प्रिस्ली का बेल्जर एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले आपने उसका ईयर याद करना है, 1770 याद करना है। दूसरा आपने ये याद करना है कि बेल्जर जो प्रिस्ली ने थी ऑक्सीजन डिस्कवर करी थी, क्या करी थी, ऑक्सीजन डिस्कवर करी थी, यस और नो। उन्होंने क्या बोला था, सुनना ध्यान से, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये लिया था बेटा, उन्होंने लिया था ये, ध्यान से देखो बेटा, प्रिस्ली ने क्या क्या किया था जरा एक बार देख लेते हैं, इधर देखेंगे सारे बच्चे। प्रिस्ली ने क्या किया, देखो, जो कैंडल जल रही है, यस, और जो माउस वहां प्रेजेंट है, उसने क्या किया, माउस जल्दी से सफोकेट हो गया, मतलब उसने क्या लिया बेटा, ग्लास का बेल शेप का जार लिया, उसमें उसने माइस रखा और बर्निंग कैंडल रखी, कैंडल कुछ टाइम में क्या हो गई, मतलब बुझ गई और माइस सफोकेट हो गया। क्लियर है? फिर उसने अगले सेटअप में किसका प्लांट रखा, मिंट प्लांट, देखो उसने क्या करा, फिर उसने क्या किया, बट व्हेन ही प्लेस्ड मिंट प्लांट इन सेम बेल जार, तो ही फाउंड दैट माइस स्टे अलाइव, माइस जिंदा रहेगा और उसके साथ साथ वो जो है वो कैंडल भी जलती रहेगी, कैंडल कंटिन्यू टू बर्न, ये किया। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा उसका इंफ्रेंस, इंफ्रेंस मतलब क्या पॉइंट था, ये प्लांट रेस्टोर टू द एयर वेट एवर, तो आपको पूरे पैराग्राफ में ये ध्यान रखना है, प्लांट ने रेस्टोर किया जो किसने खत्म कर दिया था, ब्रीदिंग एनिमल और बर्निंग कैंडल ने, तो ब्रीदिंग एनिमल और बर्निंग कैंडल ने जो खत्म कर दी थी गैस, उसको प्लांट ने रेस्टोर किया। अब देखो ये एक्सपेरिमेंट था, यहां पर माइस और कैंडल है, माइस मर गया, कैंडल बुझ गई, मिंट प्लांट रेस्टोर करा। अब पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर प्रोड्यूस सेम एयर, एक जैसी एयर कौन सा पेयर बनाता है, जरा चेक करें, क्वेश्चन नंबर 9 करो भाई, क्वेश्चन नंबर नाइन करो बेटा, फर्स्ट स्लाइड अंसारी बाद में देखेंगे, सफोकेट मतलब दम घुटने से, मिंट और कैंडल सेम एयर बनाते नहीं, कैंडल और डेड माइस, बर्निंग कैंडल और लिविंग माइस, क्या आंसर आएगा, बी आएगा और डी आएगा, बताओ। देखो मिंट ऑक्सीजन बनाएगा या CO2 बनाएगा, यस, तो बर्निंग कैंडल
अच्छा यहां लिविंग माइस होना चाहिए, सॉरी, बर्निंग कैंडल और लिविंग माइस दोनों क्या बनाएंगे, दोनों CO2 बनाएंगे, दोनों क्या बनाएंगे, CO2 बनाएंगे। यहां तक समझ में आ रहा है? यस 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 यस, आगे आ जाते हैं। मिंट प्लांट कैन रेस्टोर अकॉर्डिंग टू प्रिस्ली, मिंट प्लांट क्या रेस्टोर कर सकता है, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, इस क्वेश्चन के आंसर को ध्यान से करना है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। मिंट प्लांट क्या रेस्टोर कर सकता है, रिमूव ए, कौन सी एयर रिस्टोर कर सकता है प्रिस्ली के अकॉर्डिंग, ए आएगा, बी आएगा, या बोथ ए एंड सी आएगा, जो भी है। हाँ भाई, इस क्वेश्चन को बताओ, क्वेश्चन नंबर टेंथ, क्वेश्चन नंबर टेन बताओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर टेन बताओ, देखिए किस कितनों का ठीक है, सी आएगा, नन। मेरी बात सुन, मिंट प्लांट वो रेस्टोर कर सकता है जो बर्निंग कैंडल ने रिमूव किया था, पर प्रिस्ली ने ये नहीं बोला कि वो एयर ऑक्सीजन थी, ये बोला ही नहीं था। अगर मैं यार डी भी लिख में बोथ ए एंड बी भी लिख दूंगा तो भी आंसर नहीं आता, आंसर ये आएगा बी। रीजन बता रहा हूं क्यों, ये सोच के कर, आपने ध्यान रखना है कि प्रिस्ली ने बोला था कि वो एयर जो खराब कर दी थी मिंट प्लांट उसे वापसी लाता है, प्रिस्ली ने कभी नहीं बताया कि वो एयर ऑक्सीजन है, उन्होंने ऑक्सीजन डिस्कवर करी वो एक अलग एक्सपेरिमेंट है, लेकिन उन्होंने नहीं बताया कि वो जो एयर वापसी आ रही है वो ऑक्सीजन है। पकड़ लिया इसको, इस बात को पकड़ लिया भाई, इस बात को पकड़ लिया, सही जल्दी बता दो, क्योंकि गलत हो जाएगा क्वेश्चन, मैं पहले बता रहा हूं यहां पर गलत होगा ये क्वेश्चन, यस यहां पर गलत हो जाएगा वो क्वेश्चन। अगली बात कर लेते हैं, अब आ जाते हैं सेम एक्सपेरिमेंट इंगेन हाउस ने डे में करा और नाइट में, मतलब इंगेन हाउस ने, एक साइंटिस्ट था इंगेन हाउस, इंगेन हाउस ने सेम सेटअप सेम एक्सपेरिमेंट एक बार डे में करके देखा, एक में नाइट में करके देखा, कब हमारे पास ये चीज रेस्टोर होगी, तो डे टाइम में, डे टाइम में एयर जो होगी वो रेस्टोर होती है मिंट प्लांट से, रेस्टोर बाई मिंट प्लांट। दूसरा उन्होंने क्या किया, सुनना ध्यान से, दूसरा उन्होंने ग्रीन प्लांट लिया और ग्रीन प्लांट पर, ध्यान से सुनेंगे, ग्रीन प्लांट पर ऐसे ब्राइट लाइट डाली, तो जो एरिया ग्रीन था, जो एरिया ग्रीन था, मान लो ये वाला एरिया नॉन ग्रीन था, ये वाला एरिया ग्रीन था, यहां ऑक्सीजन के बबल बन रहे थे। तो इंगेन हाउस ने सेम एक्सपेरिमेंट करके देखा, ध्यान से सुनेंगे, इंगेन हाउस ने सेम एक्सपेरिमेंट करके देखा एक बार दिन में नाइट में, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एक्वेटिक प्लांट लिया, उस एक्वेटिक प्लांट पर जब लाइट पड़ रही थी तो ऑक्सीजन के बबल्स बन रहे थे। मेरा सवाल यह है आपसे, मेरा सवाल यह है कि ये जो बबल्स हैं ऑक्सीजन के, ये किसने बताया, प्रिस्ली ने कि उसने इंगेन हाउस ने, इंगेन हाउस ने। तो अगर आपको नीट में क्वेश्चन आता है, देखो क्या क्या पॉइंट्स आपने ध्यान रखने, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि उसने सिमिलर सेटअप यूज किया था, एक बार दिन में एक बार रात में, देख लो वंशधार को, एक बार दिन में, ठीक है, क्लियर है। उन्होंने बोला था कि सनलाइट जरूरी है प्लांट प्रोसेस के लिए। दूसरा उन्होंने क्या किया, एक एक्वेटिक प्लांट लिया, क्या किया, एक्वेटिक प्लांट लिया, उस पर कैसी लाइट डाली, ब्राइट सनलाइट डाली, और जो छोटे बबल्स बन रहे थे उसको उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला वो ऑक्सीजन है, क्लियर है, क्लियर है। तो देख लो, ही शोड दैट ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट कुड रिलीज ऑक्सीजन। तो अगर क्वेश्चन तुम्हें आ जाए कि साइंटिस्ट विच प्रूव बबल्स प्रोड्यूस बाई ग्रीन प्लांट इज ऑक्सीजन, क्या मार्क करोगे, इंगेन हाउस या प्रिस्ली, सर इंगेन हाउस। तो एयर क्वालिटी रेस्टोर वाली बात किसने करी थी, प्रिस्ली ने, पर वो एयर है क्या ऑक्सीजन, ये किसने बनाई थी, बताई थी इंगेन हाउस ने। कर पाओगे क्वेश्चन, कर पाओगे, कर पाओगे, जल्दी बताओ बेटा, साउंड फट रहा है, चिल्ला के बढ़ा रहा हूं इसलिए, यस यस। तो आपके दिमाग में कुछ कुछ बातें बैठ गई एक्सपेरिमेंट को लेके। अगला एक्सपेरिमेंट बेटा वॉनसैक ने किया था, वॉनसैक ने सिंपल बोला जब प्लांट ग्रो करता है तो वो क्या बनाता है बेटा, वो ग्लूकोज बनाता है, और वो ग्लूकोज बाद में स्टोर होती है स्टार्च की फॉर्म में। दूसरा उन्होंने बोला एक ग्रीन स्ट्रक्चर होता है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, उसमें ग्रीन केमिकल होता है जिसका नाम क्लोरोफिल होता है, और प्लांट जो है प्लांट के अंदर स्टार्च स्टोर होता है। ये बात किसने बोली, वॉनसैक ने, किस ईयर में, 1854। तो यहां पर आपको जो चीजें ध्यान रखनी है वॉनसैक के लिए, वो क्या याद रखना है, देख बेटा वॉनसैक के लिए 1854 में वॉनसैक ने एविडेंस दिया था प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज का, कब, जब प्लांट ग्रो करेगा, क्लियर है। और ग्लूकोज कैसे स्टोर होता है स्टार्च के लिए,
हिज लेटेस्ट स्टडी शोज दैट कि ग्रीन सब्सटेंस है जिसका नाम क्या है, क्लोरोफिल, और वो किसके अंदर प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर. यस, तो व्हेन प्लांट ग्रो सैक, वॉन सैक प्रोवाइड एविडेंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, ध्यान रखें बेटा, वैसे तो ग्लूको, मेरी बात सुने ध्यान से, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम ये लाइन जा रहे हैं, पर ये गलत नहीं है, मेरी बात सुनना, क्योंकि ग्लूकोज किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में. आप ग्लूकोज का टेस्ट कर ही नहीं सकते हो. तो हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन जब ऐसा आता है उसमें कभी भी दो ऑप्शन नहीं होंगे, ग्लूकोज और स्टार्च कभी अलग अलग नहीं होंगे, या तो ग्लूकोज होगा या स्टार्च होगा, दोनों ठीक है. रीजन क्या है कि जब प्लांट ग्रो करेगा उसमें ग्लूकोज बनेगा, और ग्लूकोज किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में. तो हम स्टार्च को टेस्ट कर सकते हैं किससे, आयोडीन से, ग्लूकोज को टेस्ट नहीं कर सकते ऐसे. क्लियर है बेटा, यहां तक समझ में आ रही है? तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जा रहे हैं यहां पर. क्लियर है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जा रहे हैं. ईयर याद कर सकते हो 1854, किसने दिया है, वॉन सैक ने. किसने दिया, वॉन सैक ने. यस अंसारी बेटा, बाद में बात करेंगे फर्स्ट स्लाइड के लिए, आगे चलते हैं, क्वेश्चन बहुत है और करना बहुत है. अब मेरी बात सुनो, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था TW Engelmann, ध्यान से सुनना. उन्होंने प्रिज्म लिया, प्रिज्म में से लाइट पास की और उसको अलग अलग वेवलेंथ पे तोड़ा. ये मेरे पास एक एल्गी ले रखी है जिसका नाम क्लेडोफोरा है. उस एल्गी पर यह लाइट पड़ी और यहां पर यह वो बैक्टीरिया है जो एरोबिक बैक्टीरिया है, जो ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होंगे. यस और नो? तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम TW Engelmann है. क्या नाम है, TW Engelmann. उन्होंने लाइट को तोड़ा है किसमें, अलग अलग वेवलेंथ में, और किस पर डाला, इल्यूमिनेटेड का मतलब किस पर डाला, ग्रीन एल्गी क्लेडोफोरा का. ठीक है, और उन्होंने देखा कि जो बैक्टीरिया यूज किया, कौन सा यूज किया, एरोबिक बैक्टीरिया. एरोबिक बैक्टीरिया क्या डिटेक्ट करेगा, ऑक्सीजन कहां हो बन रही है, मतलब कहां फोटोसिंथेसिस हो रही है. ही ऑब्जर्व दैट बैक्टीरिया एक्यूमुलेटेड मेनली इन द रीजन ऑफ ब्लू और रेड लाइट. तो इसका मतलब उन्होंने ग्राफ बनाया कि किस वेवलेंथ पर ऑक्सीजन ज्यादा बन रही है. वो ग्राफ में मेरे पास उन्होंने देखा ब्लू और रेड रीजन पे ज्यादा ऑक्सीजन बन रही है. देख रहे हो, ऑक्सीजन ज्यादा बन रही है ब्लू पर और रेड पर, और यहां नीचे लिखी वेवलेंथ. इस ग्राफ को हम नाम देते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम. क्या नाम देते हैं, एक्शन स्पेक्ट्रम. और यहां पर वेवलेंथ और एब्जॉर्प्शन लिखी है, उसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं. तो इसका मतलब एक्शन स्पेक्ट्रम किससे मैच कर रहा है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से. तो ध्यान से देखें बेटा, पहला एक्शन स्पेक्ट्रम वॉज गिवन बाय, ये क्वेश्चन आ सकता है, एकदम डायरेक्ट आएगा ये क्वेश्चन. फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम किस साइंटिस्ट ने दिया था, बताओ बताओ बताओ, किसने दिया था बेटा, TW Engelmann ने. दूसरा क्वेश्चन इसमें यह आ सकता है, मैं यहां लिख देता हूं. सेकेंड क्वेश्चन यह आ सकता है कि एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया डिटेक्ट ए साइट ऑफ CO2 प्रोड्यूस, बी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, सी साइट ऑफ स्टार्च, डी ऑल. तो अगर आप ध्यान से देखो, वो साइट ऑफ O2 डिटेक्ट करता है, इसका मतलब वहां पर क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही है. स्टार्च नहीं कर सकते क्योंकि वो तो मतलब अलग प्रोडक्ट है. क्लियर है, यहां तक कोई डाउट है, यहां तक कोई डाउट है, जल्दी बताओ, यहां तक कोई डाउट है. ऑक्सीजन, साइट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस इज इक्वल टू, मतलब फोटोसिंथेसिस हो रही है, यहां तक कोई डाउट है, जल्दी बताओ बेटा, यहां तक कोई डाउट है, जल्दी बताओ. यस 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 यस. चलिए आगे चलते हैं, फटाफट से अगला क्वेश्चन लेंगे. देख बेटा, क्या टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं बता रहा हूं. अब अगले साइंटिस्ट हैं वैन नील. देख, वैन नील क्या थे, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, और वो किसके अंदर फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे, बैक्टीरिया के अंदर. उन्होंने देखा, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बोला कि फोटोसिंथेसिस एसेंशियली अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन. फोटोसिंथेसिस में लाइट चाहिए, और कोई भी कंपाउंड हो, चाहे H2O हो चाहे H2S हो, ये दोनों कंपाउंड क्या करते हैं, हाइड्रोजन बनाते हैं ऐसे, और साथ में ऑक्सीजन और साथ में सल्फर बनाते हैं. ये यूज हो जाती है किसमें, ये यूज हो जाती है NADPH बनाने में. मैं रिपीट कर रहा हूं, चाहे H2O चाहे H2S, इसको इन्होंने बोला है सुइटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, जो क्या करता है, NADPH बनाता है, जो जाकर CO2 को रिड्यूस करता है किसमें, ग्लूकोज में. मेरी बात समझ में आ रही है,
ये उन्होंने बोला। तो अकॉर्डिंग टू वैन नील फोटोसिंथेसिस एसेंशियली, मेरी बात सुनो ध्यान से, फोटोसिंथेसिस एसेंशियली एसेंशियली रिक्वायर H2O, रिक्वायर H2S, रिक्वायर लाइट और डी। बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। देखो बेटा वैन नील ने क्लियरली बोला कि लाइट तो जरूरी है, लाइट तो जरूरी है, और पानी और H2S में से कोई एक चाहिए क्योंकि वो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे। यस यस, तो आंसर इसलिए सी आएगा। ये दोनों को उन्होंने मिलाकर क्या बोला, ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, जिससे क्या रिलीज होगा, जो रिलीज करेगा क्या बेटा, रिलीज करेगा ऑक्सीजन या सल्फर और साथ में हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन किसको रिड्यूस करेगी, ये हाइड्रोजन रिड्यूस करेगी CO2 को। ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है बेटा, बताओ ये चीज क्लियर है। अगर आप ये बात समझ पा रहे हो तो आप ये भी समझ पाओगे कि इन्होंने क्या बोला फाइनली, ध्यान सुने, उन्होंने फाइनली क्या बोला। इसका मतलब ये है कि जैसे ये रिएक्शन लिखी है CO2 H2O, CH2O एक जनरल रिएक्शन ये लिख दी है। इस रिएक्शन को अगर मैं ऐसे लिखूं, इधर देख बेटा, इसको मैं ऐसे लिखूं 6 CO2 plus 6 H2O और यहां पर क्या लिख रहा हूं C6H12O6 और साथ में 6 O2 लिख रहा हूं। यहां पर गड़बड़ क्या है मुझे बताना जरा सभी लोग, यहां पर गड़बड़ क्या है, ये गड़बड़ है, यहां पर है 12 ऑक्सीजन, यस और नो, और यहां ऑक्सीजन कितनी है बेटा 6 ऑक्सीजन है। तो उन्होंने इक्वेशन को ठीक किया, कैसे ठीक किया, यहां पर उन्होंने 12 H2O लिखा क्योंकि सारी की सारी ऑक्सीजन किससे आती है, पानी से आती है। इसके लिए उन्होंने जो टेक्निक यूज करी, रेडियो आइसोटोप टेक्निक, क्लियर है। मेरे को एक ऐसी मैसेज आया था एक बच्चे का जिसने डाउट पूछा था, सर क्या लाइट रिएक्शन में रेडियो आइसोटोप टेक्निक यूज हुई थी? हाँ यूज हुई थी। किसने यूज करी थी, वैन नील ने या उसके अराउंड साइंटिस्ट ने, यह बताने के लिए कि जो पानी है ना बेटा, पानी से ही हाइड्रोजन आती है ग्लूकोज में, यहां तक समझो, और ऑक्सीजन पानी की बाहर निकलती है ऐसे। अगर मैं H2O लूं जिसमें ऑक्सीजन रेडियो एक्टिव हो तो वो मुझे किसमें मिलेगा, जो ऑक्सीजन बाहर निकल रही है। यहां तक समझ में आ रहा है, बोलो बेटा यहां तक समझ में आ रहा है, जल्दी बताओ। तो उन्होंने इस इक्वेशन को करेक्ट किया, उन्होंने इस इक्वेशन को क्या किया, करेक्ट किया। तो यहां एक क्वेश्चन जो बन सकता है, मैं वो लिख देता हूं आपको, मैं वो लिख देता हूं, देखो ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो आप, ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो आप, देख लो बेटा जल्दी से, ये वाला आप क्वेश्चन देखो, मैंने जो पॉइंट्स बोले हैं वो सारे लिखे हुए। H2O कैसे काम करता है हाइड्रोजन डोनर की तरह से, और वो टूट जाता है पानी में, यस और नो, और जब H2S टूटता है तो क्या बनता है, सल्फर और सल्फेट बनता है, यस। और इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो बाई प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन बन रहा है या ये चीज बन रही है, किस पे डिपेंड करता है, क्या यूज करते हो, H2S यूज करते हो या H2O यूज करते हो, ये चीज समझ में आ रही है। तो ऑक्सीजन इवॉल्व होता है ग्रीन प्लांट में, बैक्टीरिया में क्या इवॉल्व होता है, सल्फर और सल्फेट, क्लियर है। और उन्होंने इस इक्वेशन को करेक्ट किया, कैसे, यहां पर 12H2O लिखा। आप क्वेश्चन करेंगे ऑक्सीजन प्रोड्यूस इन फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ऑक्सीजन जो है हमारे पास वो कहां से आती है, जो फोटोसिंथेसिस में ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन कहां से आती है, CO2 से आती है, पानी से आती है, C6 इससे आती है, ये ऑल, तो हमारे पास क्या आएगा, बी आएगा। कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लूकोज में, इधर देख बेटा, इस ग्लूकोज में हाइड्रोजन कहां से आई है, ये वाली हाइड्रोजन है, यस ये वाली हाइड्रोजन है, क्लियर है, यहां तक समझ में आ रही है बेटा, यहां तक समझ में आ रहा है, यहां तक समझ में आ रहा है। अब यहां से हम आगे जाएंगे, अब बात करते हैं लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस की, अगला टॉपिक है, हमने सारे एक्सपेरिमेंट पढ़ लिए उसके इसी तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, क्लियर। अब हम बात करते हैं लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले लोकेशन में क्या आ जाएगा, सर लीफ आ जाएगा, लीफ के बाद ये कौन सा सेल है, सर मीजोफिल सेल है, यस और नो, ये कौन सा है, मीजोफिल सेल है। मीजोफिल सेल में ये क्या है बेटा, ये क्लोरोप्लास्ट है, क्या है मेरे पास, ये क्लोरोप्लास्ट है। अब ध्यान से सुनियो, ये मेरे पास कौन सा थाइलाकोइड है, ये वाला ग्रेनल है, यस, और ये मेरे पास स्ट्रोमल लैमेली है। दोनों को मिलाकर हमें कॉमन नाम देते हैं, क्या हम नाम देते हैं, मेम्ब्रेन सिस्टम, क्या नाम देते हैं बेटा, मेम्ब्रेन सिस्टम का नाम देते हैं। और यहां पर ये स्ट्रोमा है, यस स्ट्रोमा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्ट्रोमल लैमेली और ग्रेनल थाइलाकोइड को मिलाकर हम नाम देते हैं मेम्ब्रेन सिस्टम, जिस पर पिगमेंट लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं, पिगमेंट।
यहां पर स्ट्रोमा है जिसपे एंजाइम होगा, एंजाइम होगा किसके लिए, डार्क रिएक्शन के लिए। एनसीईआरटी ने क्या बोला है बेटा, एनसीईआरटी ने बोला है क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर है, मतलब लाइट रिएक्शन कहां होता है, इस पे मेम्ब्रेन सिस्टम पर क्या होता है, लाइट रिएक्शन होता है। डार्क रिएक्शन के एंजाइम स्ट्रोमा में होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है एंजाइम प्रेजेंट इन, एंजाइम प्रेजेंट इन, क्वेश्चन नंबर 16 करो भाई, एंजाइम प्रेजेंट इन व्हाट इज मेम्ब्रेन सिस्टम, ग्रैनुलर थैलाकोइड, स्ट्रोमल लैमेली, दोनों पे पिगमेंट होते हैं। एंजाइम प्रेजेंट इन क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे जल्दी, क्वेश्चन नंबर 16, एंजाइम प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन सिस्टम स्ट्रोमा। बेटा कल सर्वेश सर जो है आपको मोल कॉन्सेप्ट की थ्योरी के थ्रू प्रॉपर रिवाइज करेंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट उन्होंने बोला था कि मैं रिवाइज कराऊंगा, क्योंकि क्वेश्चंस तो खूब कराते हैं, क्वेश्चंस थ्योरी के थ्रू कराएंगे, मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स जो आप गलत करते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी की लाइंस हैं या जो भी हैं, ठीक है, आ जाइए, आ जाओ, एंजाइम प्रेजेंट इन, हाँ भाई बताओ, एंजाइम प्रेजेंट इन सी आएगा या ए आएगा, जिन बच्चों ने ए लिखा है गलत है, बी सॉरी बी लिखा है गलत है, सी आएगा आंसर, मैं बताता हूं क्यों। अगर क्वेश्चन लिखा रहता है एंजाइम फॉर डार्क रिएक्शन, तो डार्क रिएक्शन के लिए एंजाइम किसमें प्रेजेंट है, स्ट्रोमा में। आपको यह ध्यान रखना है कि मेम्ब्रेन सिस्टम पर पिगमेंट तो होते होते हैं, पर उसके साथ साथ कुछ एंजाइम भी होते हैं, ऐसा नहीं होता कि मेम्ब्रेन सिस्टम पर एंजाइम नहीं होते। मेम्ब्रेन सिस्टम क्या बनाता है, NADPH बनाता है, और क्या बनाता है, ATP बनाता है। तो ये वाला क्वेश्चन था, इसको ध्यान से करना था, क्योंकि आप क्या करते हो, क्वेश्चन ध्यान से नहीं करते हो, आप ये समझते हो कि सिर्फ डार्क रिएक्शन में एंजाइम होते हैं, एंजाइम लाइट रिएक्शन में भी होते हैं, लाइट रिएक्शन के एंजाइम मेम्ब्रेन के आसपास होंगे, डार्क रिएक्शन के एंजाइम स्ट्रोमा में होंगे। याद रहेगी ये बात, याद रहेगी, यस और नो, तोता उड़ली सहेगी, यस 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 यस, कुछ बच्चों का गलत हुआ है, यस, आ जाइए। NADPH और ATP प्रोड्यूस ऑन थाइलाकोइड, यस थाइलाकोइड बनाएंगे, लाइट रिएक्शन में बनेगा और मेम्ब्रेन सिस्टम पे बनेगा। मेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब ग्रैनर और स्ट्रोमल थाइलाकोइड है। तो ATP और NADPH कहां बनेगा, थाइलाकोइड में बनेगा, लाइट रिएक्शन में बनेगा, मेम्ब्रेन सिस्टम पे बनेगा। तो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास, डी आ जाएगा। बेटा स्नेहा आवाज फट रही है, मैं क्या करूं, गाना तो नहीं गा सकता, आवाज ऐसी है, राइटिंग ऐसी है मास्टर की, इसी से काम चला रहे हैं पिछले कई सालों से, खराब आवाज और गंदी हैंड राइटिंग। अब आओ जो एनसीईआरटी क्या कहते हैं, मैं यहां से थोड़ा सा एनसीईआरटी और डीप बात करूंगा। देखो, यू हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, आपने चैप्टर 8 में पढ़ा है। क्लोरोप्लास्ट में एक मेम्ब्रेन सिस्टम होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, डिविजन ऑफ लेबर होता है, यस। मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या होता है, पिगमेंट होते हैं लाइट को पकड़ने के लिए, उसके साथ वो क्या बनाता है, ATP बनाता है और NADPH बनाता है। स्ट्रोमा जो है उसमें एंजाइमेटिक रिएक्शन होते हैं, क्या बनाने के लिए, शुगर। तो एंजाइमेटिक रिएक्शन स्ट्रोमा में होते हैं शुगर बनाने के लिए, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं है, ठीक है। शुगर किसमें स्टोर होती है, स्टार्च में, क्लियर है। पहले रिएक्शन जो मेम्ब्रेन सिस्टम पर हो रहे हैं उन्हें लाइट रिएक्शन कहते हैं, लाइट रिएक्शन में पिगमेंट इन्वॉल्व है और लाइट इन्वॉल्व है तो फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। बाद वालों को हम कहते हैं डार्क रिएक्शन, ठीक है, जिसमें लाइट इन्वॉल्व नहीं है, क्लियर है, पर प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ये इन्वॉल्व है डार्क रिएक्शन में, क्लियर है, तो उन्हें हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। उसका एक और नाम है कार्बन रिएक्शन। अब क्या हो गया बेटा, ये कार्बन रिएक्शन वर्ड बहुत छुपा हुआ है, कई बार क्या होता है कि ये बात समझ नहीं आती, तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि कार्बन रिएक्शन अकर इन क्लोरोप्लास्ट। अब अगर आप भूल गए ये डार्क रिएक्शन की बात कर रहा है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं स्ट्रोमा, यहां लिख सकते हैं मेम्ब्रेन सिस्टम, और यहां लिख सकते हैं बोथ, तो आप कर पाओगे आसानी से, दैट इज स्ट्रोमा, ठीक है, क्लियर है, यस। अब हम बात करते हैं बेटा पोजीशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट की। आप देख सकते हो ये सेल बनाया है मैंने, ये सेल बनाया, ये क्लोरोप्लास्ट है। अगर आप ध्यान से देखोगे इवनिंग में हमारे पास इसका ये जो फ्लैट सरफेस है, ये मेम्ब्रेन के सरफेस के पैरेलल है, आपको दिख रहा है, ये मेम्ब्रेन का सरफेस है, ये क्लोरोप्लास्ट का है, ये हमारे पास आफ्टरनून में है, यस, ये बात ध्यान रखनी है। तो हम यहां पर ये समझ रहे हैं कि आपको ये समझना पड़ेगा
कि क्लोरोप्लास्ट द लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं। यस कितने होते हैं कौन बताएगा चैट में? मेसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट की संख्या कितनी दे रखी है चैट में कौन बताएगा? चैट में कौन बताएगा कि कितनी दे रखी है क्लोरोप्लास्ट की संख्या? सर 20 से 40। यस 20 से 40 दे रखी है। यस तो हमारे पास ध्यान से सुनेंगे बेटा, इवनिंग में क्लोरोप्लास्ट ऐसे पैरेलल होते हैं, आफ्टरनून में ऐसे परपेंडिकुलर होते हैं। तो अलाइन कब होगा? फ्लैट सरफेस ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट पैरेलल टू मेम्ब्रेन, कब होगा बेटा? इवनिंग में। कब होगा? इवनिंग में। आप देख सकते हो यूजुअली क्लोरोप्लास्ट अलाइन देमसेल अलोंग द वॉल ऑफ मेसोफिल सेल सच दैट गेट द ऑप्टिमम, ताकि उन्हें मैक्सिमम, भाई कब अलाइन करेंगे? जब उन्हें मैक्सिमम लाइट चाहिए। मैक्सिमम लाइट कब चाहिए? इवनिंग में चाहिए। क्लियर है? फ्लैट सरफेस कब होगा? When do you think the flat surface? ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है? ये आपको मिल गया, इस वाले पैराग्राफ में ये क्वेश्चन बन सकता है। डन है? अरे डन है, आगे चलें, आगे चलें। अब लाइट रिएक्शन के स्टेप्स की बात करने वाले हैं, जल्दी करेंगे। अब आ जाओ, मैं चाह रहा था एक क्वेश्चन ये भी ले लो आप, ये थोड़ा सा सेल वाले चैप्टर को लिंक कर रहा है। करो भाई, बेटा आपको अगर मुझे 11th कंप्लीट करनी है तो आने वाले टाइम में हो सकता है दिन में दो क्लासेस भी हो, पर होंगे छोटे सेशंस, डेढ़ घंटे दो घंटे, इससे ज्यादा के सेशंस हम नहीं रख पाएंगे, ठीक है? यस आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन करो, देखें आपके मतलब का है। हाँ सर, इसमें ये पूछ रहा हाउ मेनी आर प्रेजेंट इन स्ट्रोमा, कौन सा ऐसा है जो स्ट्रोमा में बंद प्रेजेंट होगा, कितने आएंगे? शुगर होगा? हाँ सर शुगर होगा। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी पिगमेंट है, ये मेम्ब्रेन पर होगा, ये पिगमेंट है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब राइबोसोम स्ट्रोमा में होगा? हां सर। डीएनए होगा? हां सर। तो शुगर भी है, राइबोसोम भी है, डीएनए भी है। यस अब मुझे इन दोनों के बारे में सोचना है। मैं रिपीट करूंगा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। एनएडीपीएच और एटीपी क्वेश्चन आता है बनते कहां है, तो आप लिखोगे मेम्ब्रेन सिस्टम, बनने के बाद प्रेजेंट कहां होते हैं स्ट्रोमा में, क्योंकि उन्हें वहां यूज होना है। यहां पर क्या लिखा, हाउ मेनी आर प्रेजेंट इन स्ट्रोमा, तो आप इन दोनों को भी लोगे, तो इसलिए आंसर को 5 करेंगे। अगर पूछा जाए कि बनते कहां पर हैं, ये दोनों बनते कहां पर हैं, मेम्ब्रेन सिस्टम पर, प्रेजेंट कहां पर ये, और इसके अलावा अपना ध्यान यहां भी रखना बेटा, लिपिड की ड्रॉपलेट प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है, उसके अलावा डीएनए प्रेजेंट है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो ध्यान रखना, हमारे पास किसमें प्रेजेंट होंगे, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। कर लोगे? कर लोगे? कर लोगे? जल्दी बताओ, लिपिड ड्रॉपलेट, स्टार्च ग्रेन्यूल, राइबोसोम, डीएनए, कैसा डीएनए? सर्कुलर डीएनए। यस यस, ये वो एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं जो आप गड़बड़ करते हो। अब हम आते हैं लाइट रिएक्शन पे। वहां पर सबसे पहले एनसीईआरटी ने कैसे स्टार्ट किया सुन लो। एनसीईआरटी ने बोला है कि लाइट रिएक्शन टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं पिगमेंट के बारे में बताऊंगा। पिगमेंट क्या होते हैं बेटा? पिगमेंट वो केमिकल कंपाउंड होते हैं जो लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हैं, और वो किस पर होते हैं? स्ट्रोमा पे होते हैं, सॉरी मेम्ब्रेन सिस्टम पे। पिगमेंट टोटल 4 टाइप के हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और जेंथोफिल। क्लियर है? उसको हम कैसे करते हैं, हम लीफ से निकालते हैं ऐसे, फिर उसको मॉर्टर पेस्टल में पीस लेते हैं, मॉर्टर पेस्टल में पीस लेते हैं, उसके बाद उसकी करते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। मेरे को लग रहा है ये बात आपको समझ में आ रही है। उसके बाद अपने क्या करते हैं, उसकी पेपर क्रोमेटोग्राफी करते हैं। आपको क्या करना है, इन पिगमेंट्स के कलर याद करने हैं। क्लोरोफिल है, और कलर आप ऐसे याद करोगे, देख लो, आपने ऐसे लिखना है विब ग्योर। तो ब्लू ग्रीन जो है वो किसका कलर है? क्लोरोफिल ए का, ब्लू ग्रीन। फिर येल्लो ग्रीन जो है, येल्लो ग्रीन किसका कलर है? क्लोरोफिल बी का। जेंथोफिल का वाई याद रखो येलो, और ये मेरे पास येलो ऑरेंज है बेटा, ये क्या है? येलो ऑरेंज। ये कलर याद रखने हैं, ठीक है? क्लियर है? अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जेंथोफिल कहां प्रेजेंट होते हैं, जेंथोफिल कहां प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन बच्चा बताएगा जेंथोफिल के एग्जाम्पल? सर जेंथोफिल का एक एग्जाम्पल फ्यूकोजेंथिन है, जो ब्राउन एल्गी में मिलता है। उसके अलावा जेंथोफिल का एक एग्जाम्पल यहां पर क्या, ल्यूटीन। क्या है? ल्यूटीन, जो येलो कलर का होता है। यस और नो? यस और नो? तो जेंटोफिल कहां मिलते हैं? लीफ में मिलते हैं। हाँ सर। प्लास्टिड में मिलते हैं। यस सर। मेसोफिल में मिलते हैं। यस सर। ऑल मान लो, मैं एक क्वेश्चन देता हूं, अनकॉमन
अनकॉमन या सॉरी कॉमन इन क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट में कॉमन पूछ रहे हैं। तो मैंने यहां पर लिख दिया क्लोरोफिल ए, मैंने यहां पर लिख दिया क्लोरोफिल बी, मैंने यहां पर लिख दिया NADPH फॉर्म, और मैंने फोर्थ में यहां पर लिख दिया जेंटोफिल, मैंने ये लिख दिया बेटा। तो आपको अपने दिमाग में याद रखना है कि क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं ये वो पिगमेंट होते हैं जिनमें कैरोटीनॉइड्स होते हैं, क्लोरोफिल नहीं होते उनमें। क्या आंसर आएगा बताओ भाई, क्या आंसर आएगा जल्दी बताओ। एक लिख रहा है ए, बहुत पिटाई करूंगा, मैंने यहां कॉमन पूछा है। क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल नहीं होते, सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में होते, क्रोमोप्लास्ट में नहीं होते। क्रोमोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस नहीं करते, उनमें एनएडीपीएच नहीं बनेगा, लाइट रिएक्शन नहीं होगा। आंसर आएगा डी, आंसर क्या आएगा डी आएगा। यस कर ले जाओगे, कर ले जाओगे, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आओ और इस चीज को जरा समझो। लुकिंग एट द प्लांट यू एवर वंडर्ड व्हाई इतने सारे शेड हैं हरे के, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, हम पिगमेंट्स अलग कर सकते हैं, कैसे अलग कर सकते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कैसे अलग कर सकते हैं, ठीक है। अलग करके मेरे पास कौन कौन से पिगमेंट आए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंटोफिल और कैरोटीनॉइड। ये वो टॉपिक है जो लास्ट मोमेंट पे आपको रिवाइज जरूर करना होता है, कलर ऑफ पिगमेंट्स भूल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपने याद रखना है ये जो वाई है ना जेंटोफिल का, ये येलो है, नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाओगे। उसके बाद विबग्योर लिख के, विबग्योर लिख के ब्लू ग्रीन जो है क्लोरोफिल ए के लिए, यस यस, क्लोरोफिल बी के लिए येलो ग्रीन है। फिर येलो ऑरेंज मेरे पास किसके लिए, देख ले बेटा, येलो टू येलो ऑरेंज कैरोटीनॉइड्स के, जेंटोफिल के लिए ऑरेंज, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जब मैंने ये पिगमेंट अलग कर लिए, मेरी बात सुन, जब मैंने ये पिगमेंट अलग कर लिए, मान ले अलग अलग टेस्ट ट्यूब में ले लिए, तो इनमें मैं क्या डाल रहा हूं, वेवलेंथ डाल रहा हूं, मैं इनमें वेवलेंथ डाल रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं ये कौन कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो मैंने एक एक्सिस होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पर मैं लिखता हूं वेवलेंथ और वाई एक्सिस पर लिखता हूं अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। चारों पिगमेंट मैंने अलग कर लिए, अब उन पे देख रहा हूं वेवलेंथ डाल के कौन सी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ऐसे ग्राफ को हम नाम देते हैं, ये जो ग्राफ है इसको नाम देते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो क्वेश्चन आ सकता है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में एक्स एक्सिस पर क्या है, तो एक्स एक्सिस पर यहां क्या है सर, वेवलेंथ है, यस और नो, यस, और यहां पर अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है। आप एक चीज देख पा रहे हो, क्लोरोफिल ए ये वाला किसका है बेटा, क्लोरोफिल बी का ये वाला, और ये क्लोरोफिल ए का। आप एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो, क्लोरोफिल में ब्लू और रेड वेवलेंथ ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है, यस और नो। कैरोटीनॉइड्स में इनके अलावा ये वाली वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही है। तो इस ग्राफ को कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब ये वाला ग्राफ जिसमें यहां वेवलेंथ लिखेंगे और यहां पर टीडब्ल्यू एंगल मैंने बताया जैसे ऑक्सीजन लिखेंगे, इसको हम बोलेंगे एक्शन स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे, एक्शन स्पेक्ट्रम। तो ऐसा ग्राफ जिसमें वेवलेंथ और ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के बीच में बने उसे बोलते हैं एक्शन, और ये वाला ग्राफ इसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब जरा ध्यान से देखो, आप एक चीज देख पा रहे हो कि जो शेप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की है वही शेप एक्शन स्पेक्ट्रम की है, तो एक तरह का ओवरलैपिंग है, यस और नो, यस और नो। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है ये वाला, पीक एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोरोफिल ए इज एट वेवलेंथ, कौन सी वेवलेंथ पर होगा, ग्रीन पर, येलो पर, ब्लू ग्रीन पे या नन पे, कौन सी वेवलेंथ पर हमारे पास पीक एब्जॉर्प्शन है क्लोरोफिल ए का। सर ये ग्रीन नहीं है, येलो नहीं है, ब्लू है और ग्रीन, ये तो कलर है उसका, ये एब्जॉर्प्शन नहीं है, यहां पे नन आएगा, यहां पर ब्लू और रेड चाहिए बेटा, ब्लू और रेड चाहिए तब ठीक होगा, नन आएगा आंसर। पीक एक्शन फॉर क्लोरोफिल ए कौन सी वेवलेंथ पर ज्यादा काम होगा, रेड पर होगा, ब्लू पर होगा, रेड और ब्लू दोनों पर होगा, क्या आएगा आंसर 23 का क्या आएगा बेटा, 23 का क्या आएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये कलर है क्लोरोफिल ए का, ये काम नहीं है उसका, काम उसका रेड और ब्लू पर होता है, ब्लू ग्रीन उसका कलर, सॉरी हां बेटा ग्राफ फिर से बता देता हूं जिसको नहीं आता। अगर मैं वेवलेंथ एब्जॉर्ब, वेवलेंथ और एब्जॉर्ब कितनी हुई, कौन सी वेवलेंथ का ग्राफ बनाता हूं,
उसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं, वेवलेंथ और फोटोसिंथेसिस का ग्राफ बनाता हूं उसे एक्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। पीक एक्शन एब्जॉर्ब पीक एक्शन स्पेक्ट्रम अकर फॉर क्लोरोफिल ए इज एट, सबसे ज्यादा पीक किस पर होता है, इस पर, रेड और ब्लू पर। मैं यहां पर लिख रहा हूं क्लोरोफिल ए का पीक एब्जॉर्प्शन किस पर होगा, ग्रीन पर, अकेले ग्रीन पर, येलो पर, ब्लू और ग्रीन, बेटा ब्लू और रेड होना चाहिए यहां पर, ये कह रहा हूं। अब ठीक है, यस, ये कह रहा 21 कहां गया यार, एक आध क्वेश्चन इधर उधर होंगे, माफी कर दे भाई, ये रहा 21 भाई, ये रहा 21, बल्कि 22 है, 22 दो बार करा दी तुझे, और ले। अब मेरी बात सुन ध्यान से, मैं क्या क्या समझाऊंगा तुझे, ध्यान से सुन। मेरे पास चार तरह के पिगमेंट है, एक क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, क्लियर है। क्लोरोफिल ए का भी ब्लू और ग्रीन पर ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, सेम क्लोरोफिल बी का। क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर होता है, मतलब वो मेन पिगमेंट होता है जो रिएक्शन कराता है, बाकी के पिगमेंट अपनी वेवलेंथ उसे देते हैं। तो बाकी के पिगमेंट क्या क्या काम करते हैं, एनसीईआरटी क्लियरली लिखती है। पहला, वो क्या करती है, एफिशिएंसी बढ़ाते हैं उसकी फोटोसिंथेसिस की। दूसरा, वो अपनी वेवलेंथ किसको देते हैं, क्लोरोफिल ए को। तीसरा, क्लोरोफिल ए को जलने से बचाते हैं, फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। तो हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, आप चाहो तो एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। देखो देखो क्या है बेटा, यहां पर लिख रहा है पिगमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्या करता है, लाइट एब्जॉर्ब करता है, यस और नो, एक फिक्स वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, यस, क्लियर है। तो हमारे पास ग्राफ दे रखा है जिसमें क्लोरोफिल ए कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है ये दिखा रहा है, क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं अभी, उसके बाद ये क्या कह रहा है, कैन यू सी द विच वेवलेंथ देयर इज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बाय क्लोरोफिल ए, ब्लू और रेड रीजन में, यस, हेंस वी कैन कंक्लूड दैट क्लोरोफिल ए इन द इज द चीफ पिगमेंट एसोसिएटेड विद फोटोसिंथेसिस, क्योंकि वो क्या कर रहा है बेटा, जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है उसी पे काम हो रहा है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, चीफ पिगमेंट बोल रहे हैं, मेन पिगमेंट वही है, यस यस यस। अब देखो, दीज ग्राफ टूगेदर शो दैट, जब दोनों ग्राफ मैंने साथ बनाए, दोनों ग्राफ मतलब ये वाला ग्राफ किसका था, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का, और ये वाला ऐसा ग्राफ किसका था, ये एक्शन था, और ये वाला क्या था, एब्जॉर्प्शन का था। तो ये कह रहा है कि जब हमने ये दोनों ग्राफ साथ बनाए, ठीक है, तो हमने ये देखा कि मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस कब हो रही है, ब्लू और रेड रीजन में हो रही है, यस, सम फोटोसिंथेसिस डज टेक प्लेस अदर वेवलेंथ, अदर वेवलेंथ में फोटोसिंथेसिस कौन कराता है बेटा बताओ, अदर वेवलेंथ में कौन कराता है, चैट में बताओ, अदर वेवलेंथ में कराता है कैरोटीन और जेंटोफिल, ये लिखा हुआ है, ठीक है। क्लोरोफिल इज द मेजर पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट, अदर पिगमेंट लाइक क्या है, क्लोरोफिल बी, जेंटोफिल और कैरोटीनॉइड, उनको हम क्या बोलते हैं, असेसरी पिगमेंट। वो क्या करते हैं, लाइट ट्रांसफर करते हैं, पहला काम बताया था। दूसरा, उससे क्या होगा, क्लोरोफिल ए क्या करेगा, ज्यादा वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर पाएगा, यस, और वो किससे बचाते हैं, क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं, ये चीज आपको बताई थी। तो आपने इस टॉपिक में क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं, पहला कलर याद करना है, दूसरा दो ग्राफ है एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के, क्लोरोफिल ए का एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की शेप सेम है, क्लियर है। क्या अदर वेवलेंथ पर भी फोटोसिंथेसिस होती है, यस, पर वो बाकी के पिगमेंट है जिन्हें असेसरी कहते हैं। असेसरी पिगमेंट कौन कौन है, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, जेंटोफिल, जो किसको वेवलेंथ देते हैं, क्लोरोफिल ए को, जो चीफ पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस में, चीफ मतलब मेन पिगमेंट है, यस। ये क्या करते हैं बेटा, ज्यादा वेवलेंथ पे काम कर सके, मतलब बहुत सारी वेवलेंथ पे काम कर सके। दूसरा, क्लोरोफिल ए को जलने से बचाते हैं फोटो ऑक्सीडेशन से। चल रहे बेटा, चल रहे, यस यस यस, चले आगे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा, आ जाओ। अब बात करते हैं अपने लाइट रिएक्शन की, अब बात करते हैं लाइट रिएक्शन की, जल्दी बताओ बेटा, चैट में बता दो, आगे चले। क्वेश्चन 23 का आंसर ए होना चाहिए, क्यों, इसका क्या आंसर होना चाहिए 24 का, अच्छा कह रहा है 23 का ए होना चाहिए, क्यों, पीक एक्शन अकर ऑफ, बेटा दोनों पर है, दोनों लेगा एक, अच्छा तेरे हिसाब से रेड पर ज्यादा काम करता है, नहीं ठीक है, रोल ऑफ जेंटोफिल और कैरोटीनॉइड, हाँ भाई, एंटीना की तरह काम कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है वेवलेंथ को,
प्रिवेंट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, तीनों कर रहा है। आंसर इसलिए क्या आएगा बता, आंसर क्या आएगा इसका, जल्दी बता बेटा, डी आएगा। आंसर क्या आएगा, डी आएगा। मैं तुझे बेसिक तरीके बता रहा हूं कैसे तुझे एनसीईआरटी पढ़नी है और कौन से क्वेश्चन करने हैं। यस यस, आगे आ जा। अब आ जा लाइट रिएक्शन पे। चार तरह के पिगमेंट आपको पढ़ा चुका हूं मैं ऑलरेडी। यस सर, रोल ऑफ पिगमेंट क्या है, एब्जॉर्ब करते हैं फिक्स वेवलेंथ, एब्जॉर्ब करते हैं फिक्स वेवलेंथ, और उसके बाद वो क्या करते हैं बेटा, उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद ध्यान से देख बेटा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके किसको मिलता है, किसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को मिल सकता है या किसी को भी। मेरी बात हमेशा याद रख बेटा, पिगमेंट जो है चार टाइप के क्या हैं, चार टाइप के हैं, फोर मेजर टाइप के। कौन कौन से हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और जेंथोफिल। लेकिन काम करने को लेके दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं उन्हें। फंक्शनली दो टाइप के हैं। फंक्शनली कैसे हैं बेटा, फंक्शनली वो कैसे हैं, दो टाइप के हैं। मेरी बात ध्यान से सुनियो, फंक्शनली वो दो टाइप के हैं। इसको हम कहते हैं रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर का मतलब है यही मेन रिएक्शन कराता है। ये वाला जो पिगमेंट है ये हमारे पास एक्सेसरी है, इनको हम कहते हैं एंटीना। मेरी बात सुनना देख बेटा, ध्यान से सुनियो, इन्हें एंटीना क्यों कहते हैं, दूसरी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करके इसको देते हैं। तो फंक्शनली पिगमेंट दो तरीके से काम करते हैं, पहला वो लाइट एब्जॉर्ब करके दूसरे पिगमेंट को देते हैं जो एंटीना करता है, और दूसरा काम है खुद से रिएक्शन कराना, वो हमेशा क्लोरोफिल ए करता है। तो हमारे पास क्लोरोफिल ए हमेशा रिएक्शन सेंटर होगा, यस और नो। एंटीना, एंटीना हमारे पास क्लोरोफिल बी है, कैरोटीन है और जेंथोफिल है। इन सबको हम नाम दे सकते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एनसीईआरटी को पढ़ के ऐसा लगता है सिर्फ एंटीना के लिए नहीं, दोनों के लिए बोल सकते हो। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स वो पिगमेंट होते हैं जो लाइट पकड़ सकते हैं। एंटीना वो वेवलेंथ किसको देते हैं, क्लोरोफिल ए को। क्लोरोफिल ए हमेशा लोवेस्ट एनर्जी और हाइएस्ट वेवलेंथ पर काम करता है। लोवेस्ट एनर्जी और हाइएस्ट वेवलेंथ पर काम करता है। अब हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे और चीजों को समझेंगे। क्लियर है बेटा, क्लियर है? यस यस यस, जल्दी बताओ बेटा, यहां तक क्लियर है? अब हम आगे की बात कर रहे हैं, आगे की बात कर रहे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनियो, मेरी बात ध्यान सुनियो। तुझे ये समझ में आ रहा है कि ये क्लोरोप्लास्ट है, यहां पर ये पीएस टू है और ये पीएस वन है। इसका मतलब ग्रेनल थाइलाकोइड पर पीएस टू और पीएस वन दोनों प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रोमल लेमिली पर ये सिर्फ पीएस वन प्रेजेंट है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, स्ट्रोमल की। मैं किसकी बात कर रहा हूं, स्ट्रोमल लेमिली पर सिर्फ मेरे पास पीएस वन होता है, ग्रेनल पर पीएस टू पीएस वन दोनों होता है। अब इस डायग्राम पे नजर मारेंगे जहां पर आपको खास चीज ध्यान रखनी। देख, ये इसको लिख रहा है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, इसमें ये मेरे पास एंटीना है। ये क्या है, एंटीना है। यहां पर ये वाला पिगमेंट रिएक्शन सेंटर है, मेरी बात समझ में आ रहा है। और यहां से एक्साइट होके इलेक्ट्रॉन प्राइमरी एक्सेप्टर को मिल रहे हैं। तो ये जो मैं बोल रहा हूं किसको, ये मेरे पास एंटीना है और ये रिएक्शन सेंटर है, इनको मिलाकर मैं बोलता हूं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पर क्या पड़ रहा है, फोटोन। फोटोन मतलब लाइट पड़ रही है, और वो फाइनली किसके पास जा रही है, देख पा रहे बेटा, फाइनली किस। मान लो एक ऐसा डायग्राम बना हुआ आ जाए, ऐसा डायग्राम बना हुआ आपके पास आ गया है। इसमें पिगमेंट के नाम दे रखे हैं, इसका नाम पी है, इसका नाम क्यू है, इसका नाम आर है, इसका नाम एस है, और डायग्राम में कुछ ऐसे एरो बने हुए हैं, इस तरीके से एरो बने हैं, और फाइनल एरो पी के पास जा रहा है। तो पूछेगा पी इज, फाइनल एरो पी के पास जा रहा है, पी इज ए, क्लोरोफिल ए है, बी क्लोरोफिल बी है, सी एंटीना है, डी कुछ भी हो सकता है, एनी पिगमेंट, एनी पिगमेंट। तो अगर फाइनल एरो पी के पास जा रहा है तो इसका मतलब, यहां भी देख फाइनल एरो इसके पास जा रहा था, इसका मतलब पी क्या है, पी क्या है बेटा, बेटा पी क्या है, जल्दी बता पी क्या है, क्लोरोफिल ए है, यस रिएक्शन सेंटर है। तो इस तरह का क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड आ सकता है, यस। अब आपको समझना पड़ेगा फोटो सिस्टम क्या होता है। फोटो सिस्टम एक बड़ी यूनिट होती है जिसमें यह एंटीना है, यस ये एंटीना है, ये रिएक्शन सेंटर है। रिएक्शन सेंटर हमेशा क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है, उसके अलावा कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है
ये एलएससी का पार्ट नहीं है लेकिन फोटोसिस्टम का पार्ट है, यस। और उसके अलावा कुछ एंजाइम होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे, ध्यान से आपसे पूछे, फोटोसिस्टम इज, मैं लिख सकता हूं एलएससी प्लस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और साथ में कुछ एंजाइम होते हैं, यस और नो, यस और नो, इसको फोटोसिस्टम कहते हैं। इसको अपने क्या बोलते हैं, फोटोसिस्टम बोलते हैं। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन आ जाए, अगर तुम्हें क्वेश्चन आ जाए, ध्यान से सुने बेटा, अगर तुम्हें क्वेश्चन आ जाए विच हैव लार्जेस्ट पिगमेंट, नंबर ऑफ पिगमेंट, एंटीना में, एलएससी में, रिएक्शन सेंटर में या फोटोसिस्टम में, क्या लिखोगे बताओ? क्वेश्चन नंबर 25 करो जल्दी से बेटा, किसमें सबसे ज्यादा पिगमेंट होंगे? फोटोसिस्टम में, क्योंकि उसमें सब कुछ आ जाएगा, यस, प्राइमरी एक्सेप्टर भी आ जाएगा। पिगमेंट्स आर अटैच ऑन, इसको चेक करते हैं कहां दे रखा है। देखो एनसीईआरटी क्या कहती है, एक एक लाइन देखते हैं। लाइट रिएक्शन का एक और नाम है फोटोकेमिकल फेस, जिसमें लाइट एब्जॉर्ब कौन करता है, पिगमेंट, इसमें पानी भी टूटता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, एटीपी बनती है। एटीपी, देखो बेटा, एटीपी और एनएडीपीएच को हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट बोलते हैं। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट सिर्फ एटीपी होता, नहीं। अगर आपने रेस्पिरेशन ध्यान से पढ़ा है तो आपने क्लियरली पढ़ा होगा एटीपी के साथ एनएडीएच, ये भी हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट होता है, उसमें एनर्जी और प्रोटॉन दोनों होते हैं। ऐसे ही एटीपी और एनएडीपीएच दोनों हमारे पास क्या है, हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट बनते हैं। इनको इंटरमीडिएट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये डार्क रिएक्शन में यूज होते हैं, यस और नो? यस सर। अब यहां पर आ जाओ बेटा, सेवरल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। सेवरल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का मतलब है मेरे पास कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर या उनकी बात कर रहा है। पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज इनटू टू डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स विद इन द फोटोसिस्टम वन एंड फोटोसिस्टम टू। ये कह रहा है कि फोटोसिस्टम वन और फोटोसिस्टम टू में लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स अलग अलग है। कैसे अलग अलग है, मान लो ये PS2 है और ये PS1 है, तो PS2 में रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए है, PS1 में रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए है, पर ये 680 वाला है, सॉरी PS2 है, ये PS2 और ये मान लो PS1 है, ये वाला 700 वाला है और ये 680 वाला। तो क्या लिख रहा है आप समझो ध्यान से, कह रहा है द पिगमेंट आर ऑर्गेनाइज इनटू टू डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, दीज आर नेम्ड इन सीक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी। पहले कौन डिस्कवर हुआ था, पहले PS1 डिस्कवर हुआ था, उसके बाद PS2 डिस्कवर हुआ था। लेकिन काम कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन PS2 से PS1 की तरफ जाते हैं। अगर क्वेश्चन आता है PS1 एंड PS2 नेम इज अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, PS1 पहले डिस्कवर हुआ था फिर PS2 डिस्कवर हुआ था। लेकिन काम कैसे करते हैं, PS2 के साथ PS1 लगा रहता है, ठीक है, क्लियर। नॉट इन द सीक्वेंस इन विच दे फंक्शन, देख रहे हैं लाइट रिएक्शन में। LHC आर मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल, बहुत सारे पिगमेंट, और कहां लगे हैं प्रोटीन में, तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है, पिगमेंट कहां लगे हुए हैं, प्रोटीन पर लगे हुए, यस, ठीक है। ईच फोटोसिस्टम हैज ऑल पिगमेंट एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ, मतलब सारे पिगमेंट है और एक क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है जो क्या बना रहा है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बना रहा है एंटीना। मतलब क्लोरोफिल ए को छोड़कर बाकी के जो पिगमेंट है लाइट हार्वेस्टिंग के, उन्हें एंटीना कहते हैं। दीज पिगमेंट हेल्प टू मेक फोटोसिंथेसिस मोर एफिशिएंट। कैसे एफिशिएंट बनाएगा भाई, कैसे एफिशिएंट बनाएगा, वो लाइट पकड़ के किसको दे देते, रिएक्शन सेंटर को। मुझे लग रहा आपको यहां तक क्लियर है, ठीक है। और देखो, द सिंगल क्लोरोफिल ए, अकेला क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल फॉर्म्स क्या बनाता है बेटा, रिएक्शन सेंटर बनाता है। रिएक्शन सेंटर दोनों फोटोसिस्टम में अलग अलग है। PS1 में रिएक्शन सेंटर जो क्लोरोफिल ए है वो एब्जॉर्ब करता है 700 नैनोमीटर पे, PS2 का एब्जॉर्ब करता है 680 नैनोमीटर पे। तो उस क्लोरोफिल ए का नाम है P700, P680। चलिए क्वेश्चन करते हैं। P700 इज वेवलेंथ है, जेंटोफिल है, पिगमेंट है, क्लोरोफिल बी है, बता भाई। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर दे।
एक बच्चे का सवाल है, क्या आज पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, तेरा सिलेक्शन होगा कल भी पढ़ने से, परसों भी पढ़ने से, लगातार पढ़ने से, रिवाइज करने से, पेपर अटेम्प्ट करने से, वहां क्वेश्चन ठीक करके आने से, वहां पर एनालाइज करने से, कम समय में टॉपिक कवर करने से, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। यस, क्या आएगा आंसर? वेवलेंथ गलत, जेंटोफिल गलत। ये एक पिगमेंट है जो क्लोरोफिल ए है, आप समझ नहीं रहे। वेवलेंथ 700 नैनोमीटर है, पी 700 जो है एक पिगमेंट है क्लोरोफिल ए जो 700 नैनोमीटर एब्जॉर्ब करता है। आंसर इसका सी आएगा, बहुत सारे बच्चे गलत करके आएंगे अगर ये क्वेश्चन आता है। यस यस यस, विद इन विच वर्क एट लो एनर्जी। हमेशा याद रखो, PS2 काम करता है 680 नैनोमीटर पर, PS1 काम करता है 700 नैनोमीटर की। जिनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है उनकी एनर्जी कम होती है। ए आएगा आंसर। विच एब्जॉर्ब एट हाइएस्ट वेवलेंथ। देखो ये क्या है सर, ये क्लोरोफिल ए है। ये क्या है, ये क्लोरोफिल ए है। ये किसका क्लोरोफिल ए है? PS1 का। ये किसका क्लोरोफिल ए है? PS2 का। ये एंटीना है, ये नन है। तो अगर आप ध्यान से देखें कि कौन सबसे ज्यादा वेवलेंथ पे काम करता है सर, जो 700 नैनोमीटर एब्जॉर्ब करे, 700 नैनोमीटर कौन एब्जॉर्ब करेगा? क्लोरोफिल ए और PS1। इसीलिए इसका आंसर आएगा ए, P700। क्लियर है? किसको नहीं आया ये? बी नहीं आएगा, तू समझ नहीं रहा। एंटीना और PS1 700 से कम एब्जॉर्ब करेगा। ये रिएक्शन सेंटर है बेटा, ये जो पी लिखा हुआ है ना, पी का मतलब है पिगमेंट, 700 का मतलब 700 नैनोमीटर एब्जॉर्ब करने वाला, वो कौन है? क्लोरोफिल ए है। किसका? PS1 का। ऐसे याद करना, देख ध्यान से पढ़ी से। क्लोरोफिल ए हैज एन एब्जॉर्प्शन पीक एट 700 नैनोमीटर एंड हेंस इट इज कॉल्ड P700। क्लोरोफिल ए का नाम P700 है, और जो क्लोरोफिल ए है किसमें? PS2 में, उसका नाम P680 है। आगे चलेंगे, ठीक है? थोड़ा सा लाइट रिएक्शन को बता देते हैं। देखिए बेटा, आपके पास इस तरीके से क्लोरोप्लास्ट है, ये ग्रेनल थैलाकॉइड है, इस पर PS2 PS1 दोनों लगे रहेंगे। यस और नो? ये मेरे पास PS2 है, इधर ध्यान दे, ये मेरे पास PS2 है, ये PS1 है। इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ये फियोफाइटिन है। क्या नाम है इसका? फियोफाइटिन है। यस सर, यस। इसका नाम प्लास्टोक्विनोन है। क्या नाम है बेटा? प्लास्टोक्विनोन है। इसका नाम साइटोक्रोम B6F है। ये सब क्या है? ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F, प्लास्टोसाइनिन और ये सब। PS2 किसको तोड़ता है? सिर्फ पानी को तोड़ता है। पानी को तोड़ के क्या बनाता था? प्रोटोन। और क्या बनाता था? ऑक्सीजन। और क्या बनाता? इलेक्ट्रॉन, जो ये ले लेता है। PS1 क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन देता है FeS को, उससे मिलते हैं फेरोडेक्सिन पे, फिर NADP+ से क्या बनता है? NADPH बनता है। तो NADPH के पास किसके इलेक्ट्रॉन है? PS1 के। PS1 के पास किसके इलेक्ट्रॉन है? PS2 के। PS2 और PS1 के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। याद कैसे करोगे? PQCP, ऐसे याद करोगे। PS2 पानी को तोड़ता है, PS1 क्या बनाता है? NADPH बनाता है। इसके बीच में स्ट्रोमा में कहीं ATP फॉर्म होता है, ठीक है? इतनी सी कहानी, आगे चलते हैं। अब देखो, फोटोसिस्टम 2, ध्यान से सुनेंगे। फोटोसिस्टम 2 द रिएक्शन सेंटर ऑफ क्लोरोफिल ए 680 नैनोमीटर एब्जॉर्ब करेगा, और कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा? रेड। हमेशा याद रखो, आप शायद गड़बड़ कर जाओगे, 680 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर अगर आप बात करते हो पार की, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जो 400 से 700 नैनोमीटर होती है, 700 के आसपास की वेवलेंथ रेड होती है। इसका मतलब दोनों फोटो सिस्टम रेड वेवलेंथ पर ही इलेक्ट्रॉन एक्साइट करते हैं। तो यहां पर जरा देखें, रिएक्शन सेंटर ऑफ क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब एट 680 नैनोमीटर, रेड लाइट, इलेक्ट्रॉन टू बिकम एक्साइट एंड जंप इनटू एन ऑर्बिट फार्दर फ्रॉम एटॉमिक न्यूक्लियस। मतलब क्लोरोफिल ए पिगमेंट का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके चला गया है बाहर, और वो किसको मिला है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, जिसका नाम फियोफाइटिन है। तो वो मान लो ये रिएक्शन सेंटर था यहां पर, इसका इलेक्ट्रॉन जंप होके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को मिला है, जिसका नाम फियोफाइटिन है। तो इसको अपने क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं अपहिल। और जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को मिलता है, जिसमें क्या क्या आता है? उसमें आता है प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F, प्लास्टोसाइनिन, इसको डाउनहिल बोलते हैं, उससे मिलता है PS1 को।
तो अगर आपसे कोई पूछे कि पीएस टू एंड पीएस वन एब्सॉर्ब डैश एंड एक्साइट इलेक्ट्रॉन, बता भाई रेड बाई बोथ पीएस टू रेड एंड पीएस वन ब्लू, सी नन कर लेते हैं, डी ऑल कर लेते हैं, बता। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बता, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बता, जल्दी बता। दोनों में रेड ही होती है क्योंकि रेड पर ही इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, चाहे 680 हो चाहे 700 हो, ये लिखा भी है एनसीईआरटी ने, ऑल्दो एनसीईआरटी ने सिर्फ उसके लिए लिखा, लेकिन होती दोनों में रेड है। यहां पर ये छुपा हुआ क्वेश्चन एक बन जाएगा, यस ए आएगा सर। रेड और ब्लू, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, रेड और ब्लू दोनों फोटोसिंथेसिस करा सकती है, पर वो ब्लू लाइट जो एब्जॉर्ब होगी ना, मुझे एक चीज बता किसकी एनर्जी ज्यादा, चैट में बता ब्लू और रेड में से किसकी एनर्जी ज्यादा है, ब्लू और रेड में से किसकी एनर्जी ज्यादा है बता, ब्लू और रेड में से किसकी एनर्जी ज्यादा है, किसकी एनर्जी ज्यादा है? अरे कुछ तो आता होगा, तुझे नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, विबग्योर लिखा हुआ है, कम से कम तुझे कुछ तो आना चाहिए बेटा, ऐसे डॉक्टर बनेगा? ब्लू पहले आ रहा है, रेड बाद में आ रहा है, किसकी एनर्जी ज्यादा है? कुछ कह रहे हैं ब्लू, कुछ की कह रहे हैं रेड, ब्लू की ज्यादा है, ब्लू की ज्यादा है, यस और नो? यस 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 यस। किसकी एनर्जी ज्यादा है? सर ब्लू की ज्यादा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, क्या ब्लू वेवलेंथ को रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं, तो जब ट्रांसफर करेगा तो रेड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्लोरोफिल ए का जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है वो रेड पर होता है कि ब्लू पर होता है? सर इलेक्ट्रॉन एक्साइट रेड पर होगा, मेरी बात समझ में आ रही है भाई? ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेड को ब्लू में कर सकते हैं? सर हाई एनर्जी को लो में कर सकते हैं, तो ब्लू से रेड बना सकते हैं। इसीलिए मतलब जो दूर स्टार्स होते हैं वो खत्म होने से पहले थोड़ा रेड हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जब उनकी एनर्जी कम होगी तो क्या वो रेड नहीं दिखने चाहिए? यस हाँ हाँ यस, इसलिए शाम में हो सकता है रेड दिखता हो। यस ठीक है, क्लियर है। इसलिए दोनों के इलेक्ट्रॉन रेड पे एक्साइट होते हैं क्योंकि एक का 680 पे काम करता है और दूसरे का 700 पे। चलो दोनों रेड हैं, आगे आ जाओ। व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव डाउनहिल, मतलब ये कह रहा है कि मान लो ये पीएस टू है और यहां से ये पीएस वन पे गया है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, वहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर गया है और फिर पीएस वन को मिला, तो आपको पता है पीएस टू 680 पे काम करता है, ये 700 पे करता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा सकता है, यहां से यहां नहीं जा सकता, कम वेवलेंथ से ज्यादा की तरफ जा सकता है। अब क्या बोल रहा है, जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है डाउनहिल, ये डाउनहिल है, जब इलेक्ट्रॉन डाउनहिल मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, क्या ये यूज अप हो जाता है? नहीं होता, नहीं होता, यूज फॉर रिडक्शन यूज ही नहीं होता, ये पास ऑन होता है इलेक्ट्रॉन कैरियर पे, मतलब इलेक्ट्रॉन कैरियर पे पास होता चला जाता है। एनसीईआरटी ने तीन इलेक्ट्रॉन कैरियर दे रखे हैं, एक प्लास्टोक्विनोन, एक साइटोक्रोम B6F और प्लास्टोसाइनिन दे रखा है। एनसीईआरटी ने लिखा है कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर डाउनहिल में साइटोक्रोम को ट्रांसफर करता है, तो यह क्वेश्चन भी बन सकता है कि मान लो पीएस टू का इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, डाउनहिल में किसको मिल रहा है? वो साइटोक्रोम को मिल रहा है, क्लियर है, साइटोक्रोम को मिल रहा है इस वाले को। यस चलिए एनसीईआरटी की बात कर लेते हैं, आ जाइए। एनसीईआरटी कहती है कि सिस्टम ऑफ साइटोक्रोम पे जा रहा है, देख रहे हो, दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउनहिल इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है इलेक्ट्रॉन, किसके डाउनहिल का यहां पर क्या मतलब है, कौन किससे इलेक्ट्रॉन लेगा? यस द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट यूज्ड अप, दे पास थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा घटाते हुए ऊपर से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से डाउनहिल जा रहे हैं, और ये डाउनहिल का मतलब है कौन किसको इलेक्ट्रॉन देगा, क्लियर, वो यूज नहीं होंगे। साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन और पीएस वन, यहां पर साइमल्टेनियसली का क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं है कि पीएस टू के इलेक्ट्रॉन पहले एक्साइट होते हैं देन पीएस वन के होते हैं, नहीं, दोनों के इलेक्ट्रॉन साथ एक्साइट होते हैं।
तो जब सनलाइट आती है तो किसके इलेक्ट्रॉन पहले एक्साइट होंगे, एक सवाल बन जाता है मेरे पास कि व्हेन व्हेन सनलाइट फॉल इलेक्ट्रॉन ऑफ विच पीएस एक्साइट फर्स्ट, ए पीएस वन, बी पीएस टू, सी बोथ टुगेदर, डी हमें कुछ नहीं आता, डी ठीक है बता भाई लिखा है एनसीईआरटी में, ये पढ़ तोता उड़लिस, और जब मैं पढ़ाता हूं ये बोलता हूं, ये बोलता हूं दोनों के साथ होंगे, दोनों के इलेक्ट्रॉन एक साथ एक्साइट होते हैं और दोनों के मिलते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रोसेप्टर पर, पीएस टू के जो इलेक्ट्रॉन है वो जाते हैं डाउनहिल किसके पास, पीएस वन के पास, पीएस वन के बनवाते हैं एनएडीपीएच, यस यस ये लिखी वो लाइन ठीक है, साइमल्टेनियसली पीएस वन का भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है और वो भी क्या देख देख रहे हो व्हेन दे रिसीव रेड लाइट, मैंने कहा ना इसका भी रेड लाइट पे है, और वो किसको मिलता है प्राइमरी एक्सेप्टर को, यस क्लियर है, और वो भी इलेक्ट्रॉन फिर कैसे मूव करते हैं डाउनहिल, कैसे मूव करते हैं डाउनहिल ठीक है, जेड स्कीम क्या बोलते हैं बेटा देख, जेड स्कीम इसे ही बोलते हैं, ये पीएस क्लियर देख ध्यान से, ये पीएस टू है, इसमें ये क्या है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, अभी देख ध्यान से लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स यहां लिखा है, इसका मतलब क्लोरोफिल ए इसीमर है, इससे प्रूफ हो रहा है कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में एंटीना प्लस क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए का इलेक्ट्रॉन इसको मिला है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, फिर वहां से ये डाउनहिल जा रहा है, इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या क्या है सर, यहां पर मेरे पास क्या क्या बता बेटा, इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या क्या है सर, यहां पर है प्लास्टो क्यूनॉन, फिर है साइटोक्रोम B6F प्लास्टोसाइनिन, फिर ये डाउनहिल आ गया, फिर इसका इलेक्ट्रॉन फिर एक्साइट हुआ और किसको मिला एनएडीपी प्लस से एनएडीपीएच मिला प्राइमरी एक्सेप्टर के थ्रू, तो एक बार अपहिल गया इस पर, फिर डाउनहिल आया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से, फिर दोबारा अपहिल गया, क्लियर है किससे पीएस वन से, ये पीएस वन है बेटा, ये एलएससी में क्या है ये देख रहे हो पीएस वन का पार्ट है ये, क्लियर है, तो इसका मतलब फोटो सिस्टम में एलएससी प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दोनों आते हैं, मैंने डायग्राम में दिखाया, अब ये इलेक्ट्रॉन यहां ऐसे आया फिर ऐसे गया, ऐसे आता ही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं जेड स्कीम, यस 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 क्लियर है, क्लियर है बेटा बताओ जल्दी बताओ क्लियर है कि नहीं, जेड स्कीम समझ में आ रहा है, इसकी जेड शेप आ रही है क्लियर, इसके प्रोडक्ट क्या क्या बन रहे हैं, एक एनएडीपीएच बन रहा है, एक ऑक्सीजन बन रहा है और एक मेरे पास एटीपी बन रहा है, एटीपी यहां बनता है इसके बीच में, क्लियर है सही है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नॉन साइक्लिक है, यस नॉन साइक्लिक फ्लो है, ध्यान से देखेंगे, आ जाओ एनसीईआरटी देखते हैं क्या कहती है, एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी क्या कहती है देखो, देखो एनसीईआरटी क्या कहती है, जो एनएडीपी प्लस है उसको इलेक्ट्रॉन मिलते हैं और वो इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, जो पीएस वन है उससे इलेक्ट्रॉन गए हैं एफईएस पे, वहां से गए हैं किस पे फेरोडेक्सिन पे, फिर गए एनएडीपी प्लस पे, ये रहा, और वो क्या बना देता है एनएडीपीएच प्लस एच प्लस बना देता है, यस, और आप खुद से देखो स्टार्टिंग फ्रॉम पीएस टू, फिर अपहिल गया, फिर नीचे आया डाउनहिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, फिर दोबारा से किस पे गया पीएस वन, फिर से अपहिल गया, इसको अपने क्या बोलते हैं जेड स्कीम, जेड स्कीम क्यों, क्योंकि एक शेप आती है जब मैं सारे कैरियर्स को, सारे कैरियर मतलब पीएस टू पीएस वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को एक स्केल पर बनाता हूं, क्वेश्चन करेंगे आओ भाई क्वेश्चन करेंगे, यस 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 यस, डाउनहिल में एटीपी बनता है, अगर क्वेश्चन पूछे कि एटीपी कहां बनता है डाउनहिल में, विच इज रिलेटेड टू पीएस टू, एफएनआर, एफएनआर क्या है बेटा, ये एंजाइम है जो एनएडीपीएच फॉर्म करता है, एनएडीपीएच बनाता है किससे, एनएडीपी प्लस से, तो क्या ये पीएस टू से एसोसिएटेड है, नहीं, एच टू ओ रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ एनएडीपी प्लस कौन करता है, पीएस वन करता है, ये पीएस वन करता है और ये भी पीएस वन से रिलेटेड है, पानी का टूटना,
पानी का टूटना करता है पीएस टू, और बच्चे गलती करते हैं उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, रिडक्शन नहीं कहते। इसमें आंसर डी आएगा, इसमें आंसर क्या आएगा, डी। यस, जो बच्चे बी मार्क कर रहे हैं उनको नहीं पता कि जो पीएस टू है बेटा, यहां पे देख, ये जो पीएस टू है ये पानी को तोड़ता है, पानी को तोड़ने पे मेरे पास हाइड्रोजन हट रही है, ऑक्सीजन बच रही है, साथ में दो इलेक्ट्रॉन दो प्रोटोन, इसे ऑक्सीडेशन बोलूंगा, रिडक्शन बोलूंगा, ऑक्सीडेशन बोलूंगा, तो इसमें आंसर नन आएगा। तोता उड़लिस, यस यस, इसलिए नन आएगा, इसलिए क्या आएगा, नन आएगा। यस, पानी टूटता है उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, दिमाग में बिठा लो। आगे आ जाओ, जेड स्कीम में क्या इन्वॉल्व नहीं होता, जेड स्कीम मतलब पीएस टू और पीएस वन दोनों इन्वॉल्व हैं। यस, पानी टूटता है, हाँ टूटता है, यहां पर एफएनआर एंजाइम है। एफएनआर क्या है बेटा, व्हाट इज एफएनआर, वो एंजाइम जो एनएडीपी प्लस से एनएडीपीएच बनाता है। यस, एनएडीपी प्लस से एनएडीपीएच, ये इसकी रिडक्शन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है, एनएडीपी प्लस की, तो रिडक्शन ऑफ एनएडीपी, ये ठीक है, एफएनआर ठीक है, पानी टूट रहा है, ऑक्सीडेशन एनएडीपीएच से वापसी एनएडीपी कहां होता है सर, डार्क रिएक्शन में होता है, किसमें होता है, डार्क रिएक्शन में, इसीलिए ये आंसर नहीं है, डी, डी आएगा। मैंने ऑल कर दिया है, कहां ऑल कर दिया, अच्छा नन है भाई, यहां नन है, नन नन करेंगे, नन नन, ठीक है भाई, हटिक कर लो उसे, तुम्हें टॉपिक समझना है, क्वेश्चन करना है। यस सर, हाँ ठीक कर दिया बेटा, ठीक कर दिया, आगे बता, ये वाला क्वेश्चन समझ आया तुझे, एनएडीपीएस से वापसी एनएडीपी को कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एनएडीपीएच, ये डार्क रिएक्शन में होता है, एनएडीपी से एनएडीपीएच पीएस वन करता है इस एंजाइम के थ्रू, पीएस टू पानी को तोड़ता, उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। आगे आ जाओ, यहां पे आओ, अब ये कह रहा है कि भाई पीएस टू को इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेंगे, तो पीएस टू क्या करता है, फोटोसिस्टम टू मस्ट बी रिप्लेस्ड, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे, स्प्लिटिंग ऑफ वॉटर, पानी के टूटने से आएंगे, पानी के तोड़ने के लिए जो भी मशीनरी है वो किसके साथ जुड़ी है, पीएस टू के साथ जुड़ी है, उसकी वजह से थाइलाकॉइड के, जैसे ये पीएस टू है, इधर प्रोटोन बनता है और ऑक्सीजन ल्यूमन के अंदर बनती है, यस और नो, तो मेरे पास क्या होगा, ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन, दिस क्रिएट ऑक्सीजन, वन ऑफ द नेट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं, विच इज नेट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, नेट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ए ऑक्सीजन, बी एनएडीपीएच, सी एटीपी, और डी ऑल, बताओ भाई, तोता उड़लिस क्वेश्चन है। यस यस, विच इज नेट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, नेट प्रोडक्ट क्या होगा फोटोसिंथेसिस का, ए आएगा, शाबाश, जिसने ए मार्क किया सही है, क्योंकि नेट प्रोडक्ट में ये दोनों इंटरमीडिएट है लिखा हुआ है, इंटरमीडिएट है। अगर मैं यहां पर नेट काट दूं और यहां पर लाइट रिएक्शन कर दूं तो ऑल आ जाएगा। अरे समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, यस यस, अब समझ में आया ए क्यों आ रहा है, क्योंकि एटीपी और एनएडीपीएच डार्क रिएक्शन में यूज हो जाता है, क्या हो जाता है, डार्क रिएक्शन में यूज हो जाता है। डन है भाई, डन चल रहा है, चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अब हम बात कर रहे हैं बेटा, देखो ये क्या कह रहा है, हम बात कर रहे हैं दैट द वॉटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विद पीएस टू, पानी तोड़ने के लिए जो भी एंजाइम है वो किसके साथ जुड़ा हुआ, पीएस टू के साथ, और वो कहां लोकेटेड है, फिजिकली लोकेटेड है इनर साइड ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, आपके पास ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, ये पीएस टू है, इस साइड लोकेट है, क्लियर है। यस, अब मैं आपसे कह रहा हूं, देखो एनसीईआरटी कैसे देती है इस लाइन को,
साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा अभी, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक की बात करती है। एनसीईआरटी कहती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एटीपी बना सकता है। वो ये कहती है कि जब हम एडीपी के साथ फॉस्फेट जोड़कर एटीपी बनाते हैं, इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। एनसीईआरटी कहती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है, बॉन्ड तोड़कर, ध्यान से सुनेंगे बेटा, किसी भी कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर सकता है, जैसे कि ग्लूकोज को, और उस एनर्जी को बॉन्ड एनर्जी में स्टोर कर सकता है। मतलब एडीपी और पीआई की बॉन्ड में एनर्जी स्टोर कर सकता है। स्पेशल सब्सटेंस लाइक एटीपी, एटीपी इस एनर्जी को अपने बॉन्ड में रख सकता है। द प्रोसेस बाय विच एटीपी बने, उसे हम नाम देते हैं फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब है एडीपी और फॉस्फेट के बीच में जब बॉन्ड बनेगा ऐसे, जब बॉन्ड बनेगा ऐसे, तो इसे एटीपी कहते हैं। इस बॉन्ड में एनर्जी है। फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब एटीपी सनलाइट में बनना। यस, क्लियर है? यस, जब दोनों फोटोसिस्टम साथ काम करते हैं, PS2 और PS1, यस, क्लियर, तो उसमें 9 नॉन साइक्लिक फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन का। यस, क्लियर है, है ना? तो आपको यह समझना पड़ेगा बेटा, देख, यहां पर यह PS2 है, मैं भी क्वेश्चन भी दिखाऊंगा तुझे, यह PS1 है। मैं ये कह रहा हूं जब PS2 PS1 दोनों काम करते हैं, तो यहां इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को मिला, वहां से डाउनहिल गया, फिर यहां पे मिला, तो यहां पर इसका इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, इसका इलेक्ट्रॉन गया NADP प्लस के पास। यस, तो इसे नॉन साइक्लिक फ्लो कह रहे हैं। क्लियर है? यस, और इसमें यहां पर NADPH भी बनेगा और साथ के साथ यहां पर ATP भी बनेगा, और इसका इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से पानी को भी ब्रेक करेंगे। इसको कहते हैं नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन का फ्लो। यस, यस, और अगर ध्यान से सुनिए बेटा, व्हेन ओनली सिर्फ PS1 फंक्शनल है। अब आप देखो ध्यान से बेटा, इधर देखो सारे, ये मेरे पास यहां पर PS2 है और ये यहां पर PS1 है। ध्यान से देखियो, इसका इलेक्ट्रॉन मिला किसको, फियोफाइटिन को, फिर मिला प्लास्टोक्विनोन को, फिर मिला साइटोक्रोम B6F को, फिर मिला प्लास्टोसाइनिन को, यहां गया, इसका इलेक्ट्रॉन मिलता है FES को, फिर FD को, और फिर बनता है NADPH। यस और नो? यस सर, बनता है। मैं ये कह रहा हूं कि जब लाइट मोर देन 680 नैनोमीटर आती, ये काम नहीं करता, PS2 काम नहीं करता, उस केस में FES का इलेक्ट्रॉन इसको चला जाता है। तो क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन काम कर रही है? यस। और जब इसका इलेक्ट्रॉन इसी फोटोसिस्टम में घूम के वापसी आ जाए, इसको बोलते हैं साइक्लिक फ्लो। और साइक्लिक फ्लो में सिर्फ एटीपी बनती है। देख, अगर यहां से इलेक्ट्रॉन यहां गया फिर यहां गया, ये नॉन साइक्लिक फ्लो है। यहां पानी टूटेगा, NADPH बनेगा और एटीपी बनेगी। नॉन साइक्लिक फ्लो में यहां से ऐसे आ जाए तो सिर्फ क्या होगी, एटीपी बनेगी। ये चीज लिख रहा है, क्या लिख रहा है बता, फोटोसिस्टम एंड फॉस्फोराइलेशन ड्यू टू साइक्लिक फ्लो। क्लियर है? और ये कहां हो सकता है, सुन, क्लोरोप्लास्ट में ये कहां हो सकता है, ये देख, इस वाले पर, ग्रेनल में कब होगा, जब लाइट मोर देन 680, और स्ट्रोमल में तो होता ही PS1 है, यहां तो हमेशा होगा। तो ये लिखा है, देख क्या लिखा है, ये लिखा है अ पॉसिबल लोकेशन कुड बी हैपनिंग इन स्ट्रोमल लैमिली व्हाइल द मेम्ब्रेन और लैमिली ऑफ ग्रेना है बोथ PS1 एंड PS2। लैमिली ग्रेना है बोथ PS1 एंड PS2 दोनों प्रेजेंट होते हैं। इस वाले में PS1 PS2 दोनों प्रेजेंट है। साइक्लिक कब होगा, मोर देन 680, और जब मेरे पास क्या होगा, मेरे पास स्ट्रोमल लैमिली मेम्ब्रेन पर PS2 नहीं होता, इसीलिए NADP रिडक्टेज, एक और नाम है FNR का, ये एंजाइम भी नहीं होता। मेरी बात सुन, PS1 जो यहां प्रेजेंट है स्ट्रोमल लैमिली पर, क्या इसके पास FNR एंजाइम होगा, नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये NADPH नहीं बनाता। यस, इस पे सिर्फ साइक्लिक फ्लो होगा, तो क्या बनाएगा, ये ATP बनाएगा। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन इसको नहीं मिलता, NADP प्लस को नहीं मिलता, बट दिस इज साइकिल बैक टू PS1। साइक्लिक फ्लो में सिर्फ क्या बनता है, ATP बनता है। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन ऑल्सो अकर व्हेन ओनली लाइट वेवलेंथ बियॉन्ड, देखो क्या लिख रहा है, ऑल्सो, मतलब दो कंडीशन है साइक्लिक की, पहला ग्रेनल थैलाकोइड पे मोर देन 680, बियॉन्ड 680, दूसरा स्ट्रोमल लैमिली पे जब ओनली PS1 अवेलेबल हो। करें क्वेश्चन, आ जाइए, ये वाला क्वेश्चन करना था हमें, या ये भी करना था, ये भी करना था, हाँ भाई आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 34 करो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 34 करो भाई जल्दी,
जल्दी 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 क्वेश्चन नंबर 34 कॉमन इन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक ग्रैनल थाइलाकॉइड में ग्रैनल थाइलाकॉइड में पीएस वन और पीएस टू दोनों होता है ईटीएस कॉमन इन साइक्लिक या नॉन साइक्लिक पीएस वन कॉमन है यस सर ईटीएस कॉमन है यस सर मैं लिख सकता हूं यहां पर इसको चेंज करते हैं बेटा थोड़ा सा यहां पर करते हैं एटीपी सिंथेसिस एटीपी सिंथेसिस होती है यस और नो पहले बता एटीपी सिंथेसिस होती है यस और नो साइक्लिक नॉन साइक्लिक में यस इसलिए ऑल लिंक है साइक्लिक नॉन साइक्लिक में ईटीएस होती है यस पीएस वन होता है यस नॉट कॉमन इन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक पीओफाइटिन प्लास्टोकिनोन प्लास्टोसाइनिन साइटोक्रोम B6 अब इधर देखियो डायग्राम मेरे पास मैंने जब साइक्लिक नॉन साइक्लिक की बात कही इधर देख बेटा ध्यान से मैंने तुझे क्या बोला है साइक्लिक में FES से प्लास्टोकिनोन ये तीन गया नॉन साइक्लिक में फियोफाइटिन इन्वॉल्व होता है साइक्लिक में और नॉन साइक्लिक में तीनों इन्वॉल्व होते हैं अगर मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूं अगर मैं ये वाला क्वेश्चन दे रहा हूं नॉट कॉमन इन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक क्या आएगा जल्दी बता क्या आएगा सर साइटोक्रोम B6F ये तीनों किसका पार्ट है ये तीनों पार्ट है किसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का तो आंसर आएगा फियोफाइटिन ए आएगा यह आंसर 35 का क्या आएगा ए आएगा यस 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 कॉमन क्या है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चेन कॉमन है यस आगे आ जाओ आगे आओ ये वाला क्वेश्चन करो वेन लाइट लेस देन 680 नैनोमीटर एंड साइक्लिक हो रही है मान लो लाइट लेस देन 680 है और साइक्लिक हो रही है भाई 680 से कम है तो नॉन साइक्लिक होनी चाहिए पर वो किस पर होगी ग्रैनुलर पर होगी कह रहा है लेस देन 680 नैनोमीटर और साइक्लिक हो रही है कहां होगी बताओ कहां हो रही होगी साइक्लिक हो रही है क्या आंसर आएगा 36 का बताओ 36 का क्या आंसर आएगा 36 का क्या आंसर आएगा बेटा लाइट लेस देन 680 और साइक्लिक हो रही है लेस देन 680 और साइक्लिक हो रही है लेस देन 680 पर नॉन साइक्लिक होनी चाहिए ग्रैनुलर पे ये नहीं होगा बी आएगा सी क्यों नहीं है यहां पर होना चाहिए ओनली पीएस वन एक्टिव तब सही होता बी आंसर आएगा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो नहीं तो तोता उड़ीस हो जाएगा जल्दी जल्दी बेटा फास्ट यस ऑल नहीं हो सकता मेरी बात सुन लाइट लेस देन 680 है और साइक्लिक हो रहा है इसका मतलब स्ट्रोमल लेमिली की बात कर रहा है लेस देन 680 पर साइक्लिक थोड़ी होगा नॉन साइक्लिक होता है ग्रैनुल पे और यहां पर ओनली पीएस वन एक्टिव होना चाहिए आगे अगला क्वेश्चन लिख लो पीएच प्रेजेंट इन लो पीएच कहां कहां प्रेजेंट होगा ये वाला क्वेश्चन करेंगे विच इज नॉट प्रोडक्ट इन स्ट्रोमा ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन बता भाई हां बता वाला क्वेश्चन समझो क्वेश्चन बी ही होगा बेटा तुम ध्यान से समझ नहीं रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं सुन ये तेरे पास ग्रैनुलर थाइलाकॉइड यहां पीएस टू है और पीएस वन है मोर देन 680 पर इस पर साइक्लिक होगा लेस देन 680 पर नॉन साइक्लिक होगा क्लियर है यस अभी आ जा विच इज नॉट प्रोड्यूसिंग स्ट्रोमा ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन क्या स्ट्रोमा में नहीं बनता सीजन और एच प्लस ये थाइलाकॉइड के ल्यूमन में बनता है बनता है थाइलाकॉइड के ल्यूमन में बनता है सही है थाइलाकॉइड के किस में बनता है ल्यूमन में बनता है यस यस तो आंसर क्या आएगा क्या आंसर आएगा डी आएगा आ जाओ हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इधर देख बेटा ये लीफ है
लीफ के अंदर सेल है, सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, ये थाइलाकोइड का ल्यूमन है, यहां ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, तो जहां ऑक्सीजन बनती है वहां उसकी हाइएस्ट कंसेंट्रेशन होती है। तो यहां पर लिखा ऑल थाइलाकोइड नहीं, ल्यूमन ऑफ ग्रैनल थाइलाकोइड, यहां पर ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन। ये देख बेटा, ये तेरे पास क्लोरोप्लास्ट है, यहां पर ये थाइलाकोइड है ग्रैनल वाला, यहां पीएस टू है, यहां पीएस वन है, ऑक्सीजन यहां बनती है, इस वाले में नहीं बनती जिस पर पीएस वन है, क्योंकि इस पर सिर्फ साइक्लिक होगा, इस पर नॉन साइक्लिक होगा। तो यहां ऑक्सीजन की हाईएस्ट कंसेंट्रेशन होगी। कई बार हमें लगता है कि एनवायरमेंट में 21% ऑक्सीजन है, ये तो ज्यादा है बेटा, मेरी बात समझ ध्यान से। गैस हमेशा हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करती है। अगर आप ध्यान से सोचो, लीफ के अंदर अगर ऑक्सीजन बाहर की कंसेंट्रेशन से ज्यादा नहीं है तो ऑक्सीजन बाहर निकल ही नहीं सकती। हाईएस्ट कंसेंट्रेशन ऑक्सीजन की लीफ के अंदर सेल में क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकोइड, कौन से वाला, ग्रेनल वाले थाइलाकोइड के ल्यूमन में होगा, स्ट्रोमा में नहीं होगा, आउटसाइड नहीं होगा। क्या आएगा बी? किसको किसको इस क्वेश्चन समझ में आया? हाँ, वीटी सर की शादी का बैंड बज रहा है, वाह क्या पहचाना है तुमने। किसको किसको क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आ गया? अगर मैं तेरे से पूछूं तेरी बॉडी में CO2 की हाईएस्ट कंसेंट्रेशन कहां होगी, जहां CO2 बनेगी, कहां बनती है तेरी बॉडी में CO2? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। यस, 34 कह रहा है बेटा, देख मेरी बात सुन, स्ट्रोमा क्या होता है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये तेरे पास थाइलाकोइड है, ये ग्रैनल है, ये स्ट्रोमल है, तो NADPH और ATP ये कहां बनते हैं? ये तो थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पर यहां बनके स्ट्रोमा में चले गए। कहां चले गए? स्ट्रोमा में चले गए। ऑक्सीजन इसके अंदर बनता है, H+ अंदर बनता है यहां, तो वो थाइलाकोइड के ल्यूमन में, इसलिए बताया। आगे चला गया, अगला क्वेश्चन ले। देख बेटा, लो पीएच प्रेजेंट इन, लो पीएच का क्या मतलब होता है? एटीपी सिंथेसिस के लिए H+ की कंसंट्रेशन हाई चाहिए। एटीपी सिंथेसिस रिक्वायर H+ कंसंट्रेशन, ठीक है, किसमें? ल्यूमन में। मैं तेरे से एक सवाल पूछूंगा, मुझे बताइयो, ये ग्रैनल थाइलाकोइड है, यहां पर पीएस टू है, यहां पीएस वन है, यहां पर स्ट्रोमल ले मिली है, यहां पीएस वन है। मैं तेरे से एक सवाल पूछ रहा हूं, पीएस टू और पीएस वन की वजह से यहां प्रोटॉन ज्यादा हो रहे हैं? यस सर। क्या पीएस वन भी एटीपी बनाने में इन्वॉल्व है? हां, साइक्लिक फॉर्म में। तो यहां भी प्रोटॉन क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। प्रोटॉन ज्यादा होने को कहते हैं लो पीएच। क्लियर है? यस। तो लो पीएच कब चाहिए एटीपी सिंथेसिस? यहां पर बोथ ए एंड बी होगा, आंसर सी आएगा। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों में एटीपी बनती है, दोनों में एटीपी बनती है। यस, एक कह रहा सर ए लगा देते हैं। लो पीएच का मतलब क्या होगा बेटा? लो पीएच का मतलब होता है यहां प्रोटॉन ज्यादा होना। प्रोटॉन ज्यादा होगा तभी एटीपी बनती है। क्या पीएस वन किसमें इन्वॉल्व है? साइक्लिक में। साइक्लिक में एटीपी बनती है, हाँ सर। पीएस टू पीएस वन किसमें इन्वॉल्व है? नॉन साइक्लिक में। क्या वहां पानी टूटता है? हाँ, पानी टूटता है। अब एक सवाल मेरे मन में आता है, सर पीएस वन में तो पानी टूटता नहीं है, पर पीएस वन किसी तरीके से प्रोटॉन बाहर से लेकर आता है, भले ही पानी नहीं टूटता। पानी तोड़ने के लिए सिर्फ पीएस टू होता है, तो यहां प्रोटॉन बनते हैं, लेकिन पीएस टू पीएस वन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो प्रोटॉन बाहर से अंदर लेकर भी आती है। इस तरीके से लो पीएच लाते हैं। यहां पर लो पीएच कैसे लाते हैं? बाहर से प्रोटॉन लाकर। यस, बिना लो पीएच के एटीपी नहीं बनती। तो यहां पर मेरे पास आंसर आएगा सी। बेटा मैंने एस सोकल बता दिया क्वेश्चन नंबर। यस, मैं रिपीट कर रहा हूं, एटीपी सिंथेसिस साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों में होती है। ग्रेनल में साइक्लिक नॉन साइक्लिक दोनों होता है, स्ट्रोमल में सिर्फ साइक्लिक होता है। लो पीएच बनाने के तीन तरीके होते हैं, हम आगे देखेंगे केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में तीन तरीके हैं लो पीएच बनाने के। यस, बता दिया बेटा एस सोकल मैंने 34, अब दोबारा नहीं बताऊंगा। यस, हाँ भाई समझ आ गया, लो पीएच से ही एटीपी। यस, आगे आ जाओ, अब बात करेंगे केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। देखो, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या बताती है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में एटीपी कैसे बनते हैं। उसके अकॉर्डिंग
थाइलाकोइड के ल्यूमन में एच प्लस आ जाता है, चाहे ग्रेनल हो चाहे स्ट्रोमल हो, दोनों में मेरे पास यहां एच प्लस इकट्ठा हो जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में यहां एच प्लस इकट्ठा हो जाता है। एच प्लस ज्यादा हो, एच प्लस यहां पर क्या है बेटा, लेस एच प्लस है, लेस एच प्लस है यहां पर मैट्रिक्स स्ट्रोम, ये क्या बोलते हैं मैट्रिक्स, और यहां स्ट्रोमा में लेस एच प्लस है। तो एच प्लस अगर ल्यूमन में ज्यादा हो यहां कम हो, यहां ज्यादा हो यहां कम हो, उससे एटीपी बनती है, उसे हम कहते हैं केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो कैसे एक्चुअली एटीपी बनती है वो बताता है, वो रेस्पिरेशन में भी बनती है, फोटोसिंथेसिस में भी बनती है। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में प्रोटोन का ग्रेडियंट बनता है, ग्रेडियंट का मतलब एक तरफ ज्यादा प्रोटोन एक तरफ कम। यस, दिस टाइम दीज मेम्ब्रेन्स ऑफ थाइलाकोइड, अभी यहां पर थाइलाकोइड के अंदर बन रहा है, क्लियर है? यस। अगर मैं क्लोरो माइटोकॉन्ड्रिया उसमें अंतर देखूं, देयर इज वन डिफरेंस दो, हियर प्रोटोन एक्यूमुलेशन टुवर्ड्स इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन, यहां मेम्ब्रेन इकट्ठा होता है क्लोरोप्लास्ट में। इन रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटोन आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में यहां इकट्ठा होता है, ये लिखा हुआ है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इस प्रोटोन की मदद से हम एटीपी बनाते हैं, क्लियर है? तो केमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस एक्सप्लेन एटीपी सिंथेसिस इन, क्या क्वेश्चन आएगा, करो 41 करो बेटा जल्दी 41 करें 41 करो बेटा जल्दी से, फास्ट जल्दी बताओ। अब मैं आपसे पूछूं, रेस्पिरेशन में एटीपी कहां बनती है, आपको याद रखना चाहिए साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में एटीपी सिंथेसिस कौन एक्सप्लेन करता है, केमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो यहां पर आंसर आएगा डी, यस वो ये एक्सप्लेन नहीं करता साइटोप्लाज्म में कैसे बनती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट की एक्सप्लेन करता है। माइटोक्लोरोप्लास्ट में थाइलाकोइड के बीच में एच प्लस आते हैं ग्रेनल और स्ट्रोमल दोनों में, और यहां पर आउटर और इनर मेम्ब्रेन, आउटर इनर के बीच में इंटर मेम्ब्रेन, यहां एच प्लस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है? अब देखो एनसीईआरटी बताती है कि किस तरीके से प्रोटोन ज्यादा हो जाते हैं, एनसीईआरटी बताती है, वो लाइनें लिखी है, मैं उसको समझा देता हूं। देख बेटा एनसीईआरटी कहती है कि तीन तरीके से प्रोटोन इकट्ठे होते हैं। पहला, ये पीएस टू है बेटा, दिस इज पीएस टू, पीएस टू पानी को तोड़ता है, यहां प्रोटोन बनते हैं। दूसरा पीएस वन क्या करता है, एनएडीपी प्लस से एनएडीपीएच यहां बनाता है, तो यहां प्रोटोन घट जाते हैं, यहां प्रोटोन बढ़ जाते हैं। तीसरा तरीका क्या है कि पीएस, अगर आपसे पूछा जाए पानी किस साइड टूटेगा, ल्यूमन की साइड, ये कौन सी साइड है, ल्यूमन की साइड है, यहां पर एनएडीपीएच कहां बन रहा है, स्ट्रोमा की साइड बन रहा है, किससे, पीएस वन से। अब क्या होता है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है इसमें ये जो फियोफाइटिन है, ध्यान दो बेटा, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ पीएस टू विच इज फियोफाइटिन, वो अपने इलेक्ट्रॉन देता है प्लास्टोकिनोन को, प्लास्टोकिनोन बाहर से अंदर की तरफ आता है और साथ में क्या ले आता है, प्रोटोन ले आता है। तो फियोफाइटिन जो प्राइमरी एक्सेप्टर है पीएस टू का, वो कौन है बेटा, फियोफाइटिन है, वो अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता है, प्लास्टोकिनोन को, प्लास्टोकिनोन प्रोटोन प्लस इलेक्ट्रॉन मिला के हाइड्रोजन बना देता है, और वो उस हाइड्रोजन को बाहर से अंदर लाकर यहां छोड़ देता है, ये देखो ये दिखा रहा है। तो प्लास्टोकिनोन को हाइड्रोजन कैरियर कहते हैं, क्लियर है कि नहीं, यहां पर, यहां तक समझ में आ रही है? और यही प्लास्टोकिनोन साइक्लिक में भी इन्वॉल्व होता है, इसलिए मैं कह रहा था कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में दोनों में प्रोटोन बढ़ते हैं। नॉन साइक्लिक में तीन तरीके हैं, पानी का टूटना, एनएडीपीएच का बनना, और तीसरा तरीका है प्लास्टोकिनोन की मदद से। साइक्लिक में सिर्फ एक तरीका है, प्लास्टोकिनोन की मदद से, यस। और यहां पर मेम्ब्रेन पर देखो, ये एफ नॉट है बेटा, ये एफ नॉट है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से सी एफ नॉट कहते हैं, यहां से प्रोटोन मूव करता है, ये हेड है, इसे कहते हैं सी एफ वन, और ये सी एफ, एफ नॉट और एफ वन, एफ नॉट क्या है, चैनल है, एफ वन क्या है, हेड है, ये घूम जाता है, एटीपी बन जाता है, यस। तो आपकी एनसीईआरटी ये तीन तरीके बताती है, पहला कहती है पानी का टूटना, पानी का टूटना किधर होता है बेटा, पानी का टूटना प्रोटोन और हाइड्रोजन कहां बनते हैं, ल्यूमन की साइड बनते हैं। दूसरा कह रहा है कि जब फोटो सिस्टम आपस में जुड़े हुए हैं, प्रोटोन को बाहर से अंदर लाते हैं, प्राइमरी एक्सेप्टर जो पीएस टू का है वो बाहर की तरफ है, कहां है, बाहर की तरफ, वो क्या लेता है, इलेक्ट्रॉन तो लेता लेता है, साथ में हाइड्रोजन मतलब प्रोटोन भी लेता है, और उस प्रोटोन को स्ट्रोमा से उठाकर कहां ले आता है, अंदर ले आता है,
क्लियर है? यस, ये चीज है। और एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम जिसका नाम एफएनआर है, व्हाट इज फुल फॉर्म एफएनआर? फेरोडॉक्सिन एनएडीपी रिडक्टेज। बेटा बच्चे कंफ्यूज क्यों है? क्योंकि एफएनआर वर्ड एक नया डायग्राम ऐड हुआ है, यहां पर दे रखा है एफएनआर वर्ड, यहां दे रखा है डायग्राम में। तो एफएनआर बनाता है एनएडीपीएच, इसी का एक और नाम है एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम। क्लियर? अब आओ जरा क्वेश्चन करते हैं, अब आओ क्वेश्चन करते हैं। अच्छा एक और चीज देख लो, इसका मतलब विद इन क्लोरोप्लास्ट प्रोटोन कहां इकट्ठा हो, प्रोटोन कहां से घट जाते हैं? स्ट्रोमा से घट जाते हैं। और कहां इकट्ठे हो जाते हैं? ल्यूमन में। यस, और इससे क्या बन जाता है? प्रोटोन का ग्रेडियंट। एटीपी बनाने के लिए मुझे चार चीजें चाहिए, एक मेम्ब्रेन चाहिए, एफ नॉट एफ वन पार्टिकल चाहिए, प्रोटोन का ग्रेडियंट चाहिए और एक पंप चाहिए। यस, जब ये ग्रेडियंट टूटता है, टूटने का क्या मतलब है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट टूटना? मेरी बात सुन, लो पीएच कहां है? ल्यूमन के अंदर। जब वहां से प्रोटोन जाते हैं वापसी किस में? स्ट्रोमा में, उसे कहते हैं ग्रेडियंट टूटना। उस ग्रेडियंट के टूटने से एटीपी बनती है। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 जल्दी बेटा, क्वेश्चन नंबर 42 करेंगे जल्दी जल्दी आ जाओ। H प्लस ग्रेडियंट प्रोड्यूस, H प्लस ग्रेडियंट प्रोड्यूस ऑन ग्रेनल थैलाकॉइड, ग्रेनल थैलाकॉइड में प्रोटोन ग्रेडियंट पानी के टूटने से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से बनते हैं और FNR की वजह से बनते हैं, ऑल आएगा। लेकिन स्ट्रोमल लेमिनेटर देख बेटा, PS2 और PS1 इसमें ग्रेडियंट तीनों तरह से बनते हैं, लेकिन अगर सिर्फ PS1 है तो वहां पर ग्रेडियंट, वो स्ट्रोमल लेमिला पे है, वहां पर ग्रेडियंट सिर्फ किसकी वजह से बनते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से। तो इसका आंसर ऑल है। इसका क्या है? 43 का आंसर बता बेटा जल्दी से, 43 का बता। तुम्हें समझ में आई है मैंने क्या पढ़ाया? मैंने ये बोला है कि H प्लस ग्रेडियंट बनाने के ग्रेनल थैलाकॉइड पे तीन तरीके हैं, स्ट्रोमल लैमिले पे सिर्फ एक तरीका है, क्या? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो अगर तू यहां पर H प्लस बढ़ाएगा वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से आएगा। तो स्ट्रोमल लैमिले पर H प्लस ग्रेडियंट कैसे आता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की वजह से, उससे H प्लस अंदर आता है। लेकिन इस वाले में कैसे आएगा? दोनों की वजह से। क्लियर है? यस 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 यस, आगे आओ और क्वेश्चन करेंगे। प्रोटोन ग्रेडियंट इन क्लोरोप्लास्ट इज ब्रेक बाय, देख बेटा मेरे पास ये थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, इस पर ये चैनल लगा हुआ है, इसे कहते हैं एफ नॉट, और इस पर ये ऐड होता है, इसे एफ वन कहते हैं, इसे एफ नॉट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में इस एफ नॉट का नाम है सी एफ नॉट। तो कौन तोड़ता है ग्रेडियंट? एफ नॉट लिखो या सी एफ नॉट, ये ज्यादा देखो लिख आप ये भी सकते हो, पर ये ज्यादा क्लोरोप्लास्ट के लिए सी एफ नॉट, इससे टूटता है वो ग्रेडियंट। ग्रेडियंट टूटने का मतलब है कि प्रोटोन ल्यूमन से बाहर आते हैं स्ट्रोमा में। ल्यूमन में आने के तीन तरीके, बाहर जाने का सिर्फ एफ नॉट है। यस, और करें देखो क्या लिखा हुआ है, सी एफ नॉट ऑफ एटीपी सिंथेस, द एटीपी सिंथेस एंजाइम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, सी एफ नॉट और सी एफ वन, जो ग्रेडियंट को तोड़ेगा। यस, क्लियर है? यस और सी एफ वन क्या है? हेड है जो घूम जाता है। हाँ भाई, माइटोकॉन्ड्रिया में लो पीएच किसकी, लो पीएच कहां होती है? लो पीएच मतलब मोर एच प्लस, कहां होते हैं जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ, फास्ट 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 फास्ट, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। यस, चलिए आ जाइए, अब हम बात करने वाले हैं डार्क रिएक्शन की। आप सभी को ये चीजें क्लियर होगी लाइट रिएक्शन को लेके, कुछ पॉइंट्स अब सुन लो ध्यान से। ये पीएस टू था, यहां पर पानी टूटा था, तो यहां पर प्रोटोन बने थे और ऑक्सीजन बनी थी, इस प्रोटोन की मदद से हमने क्या बना लिया? एटीपी। ये पीएस वन है, यहां पर एनएडीपीएच बन गया है, और क्या बन गया बेटा? एटीपी बना यहां बीच में कहीं। तो एटीपी और एनएडीपीएच कहां यूज होगा? डार्क रिएक्शन में। कहां यूज होगा? डार्क रिएक्शन में। आ जाओ जल्दी से करते हैं। अब देखो बेटा एनसीईआरटी क्या बोलती है, वेयर आर द एटीपी और एनएडीपीएच आर यूटिलाइज्ड, ध्यान से सुनना। एटीपी और एनएडीपीएच जो है, देखो क्या लिखा है, लाइट रिएक्शन में एटीपी एनएडीपीएच ऑक्सीजन तीन चीजें बनी है। ऑक्सीजन तो बाहर आ जाएगी, ठीक है, डिफ्यूज आउट हो गई। एटीपी और ये कहां यूज होंगे? डार्क रिएक्शन में, जिसको हम नाम देते हैं बायोसिंथेटिक फेज।
दिस प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर डायरेक्ट लाइट, बट ये प्रोडक्ट पर डिपेंड है किसके, लाइट रिएक्शन के। इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है कि डार्क रिएक्शन को डायरेक्ट लाइट नहीं चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। इस बात का प्रूफ क्या है कि जब लाइट रिएक्शन रोक दोगे उसका प्रोडक्ट जब खत्म होगा तब डार्क रिएक्शन रुकता है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है, विच इज हाई एनर्जी कंपाउंड, एटीपी, एटीपी एंड एनएडीपीएच, ओ2 और ऑल, बताओ भाई इसमें से। 47 बताओ पहले, 47 बताओ बेटा। बेटा देख मैं क्वेश्चन साथ करा रहा हूं, ये उस बच्चे को बहुत फायदा करेगा जिसको छोटे छोटे टॉपिक्स में डाउट है। एटीपी और एनएडीपीएच बी, ये हाई एनर्जी पीछे लिखा था, ये आगे आ जा, ये देख। अब ये कह रहा है बेटा कि बायोसिंथेटिक फेज जो है, बायोसिंथेटिक प्रोसेस जो है उसको डार्क रिएक्शन कह रहे हैं। वो थोड़ी देर तक चलता है जब तक उसके प्रोडक्ट अवेलेबल रहते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, लाइट रिएक्शन में एनएडीपीएच और एटीपी बना हुआ है, लाइट शाम में इवनिंग में रुक जाती है। क्या डार्क रिएक्शन तुरंत रुकता है? नहीं, थोड़ी देर बाद रुकता है। क्यों? जब तक वो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट पूरा खर्च ना हो जाए। तो डार्क रिएक्शन स्टॉप व्हेन लाइट एब्सेंट, एटीपी एंड एनएडीपीएच यूटिलाइज, एटीपी एब्सेंट ऑल, क्या आएगा? ध्यान से सोच के आंसर करना, लॉजिकल क्वेश्चन है, अच्छा बनेगा, जल्दी बताओ बेटा, लॉजिकल है, अच्छा बन जाएगा, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी फास्ट, जल्दी जल्दी फास्ट, लॉजिकल आंसर है इसका, यस बी। डार्क रिएक्शन तब रुकता है जब लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट खत्म हो जाते हैं, यस, आगे आ जाते हैं फटाफट से। अब आ जाओ जरा, अब क्या हुआ था बेटा इसको, मतलब डार्क रिएक्शन को खोजा किसने था? कैल्विन ने, ध्यान सुनेंगे, कैल्विन ने खोजा था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद। ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद उन्होंने क्या यूज किया था? CO2 यूज किया था, C14। और क्या लिया था बेटा? उन्होंने C14 लिया था, यस, और एल्गी की फोटोसिंथेसिस पढ़ी थी मेल्विन कैल्विन ने। और एक तरीके से उन्होंने दो चीजें खोजी थी, पहला उन्होंने फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है बायोसिंथेटिक फेज का, और दूसरा उन्होंने खोजा था कि पूरा पाथवे क्या है। तो उन्होंने वर्किंग आउट द कंप्लीट पाथवे, पहला ये काम किया था, दूसरा उन्होंने तीन कार्बन का पहला प्रोडक्ट, ये तो दो काम उन्होंने किए थे। किसने? कैल्विन ने। क्या यूज किया था? C14 और एल्गल फोटोसिंथेसिस में। तो कैल्विन डिस्कवर्ड, देखो क्वेश्चन ये आ सकता है, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन, बायोसिंथेटिक पाथवे स्टेप, बोथ ए एंड बी और नन, बताओ। क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन विद एनसीईआरटी कर चुके हम लोग, क्वेश्चन नंबर 50 जल्दी बता, क्वेश्चन नंबर 50 जल्दी बता बेटा, क्वेश्चन नंबर 50, कैल्विन ने क्या डिस्कवर किया? पहला प्रोडक्ट जो क्या था, पीजीए था, उसको डिस्कवर किया। दूसरा उसने बायोसिंथेटिक स्टेप, दोनों डिस्कवर किए थे, लिखा हुआ है, पढ़ देख, वर्किंग आउट द कंप्लीट बायोसिंथेटिक और पहला एसिड, ये चीज उन्होंने डिस्कवर करी थी। और पहला प्रोडक्ट क्या था? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये क्या है? एक ऑर्गेनिक एसिड है, इसको शॉर्ट में क्या लिख रहे हैं? पीजीए, यस। क्वेश्चन समझ में आ रहा है तुमको? ऐसा आएगा। अब सोचो हर एक टॉपिक के तुम्हें क्वेश्चन पता चल रहे हैं। दूसरा, साइंटिस्ट ने क्या किया बेटा? ट्राई किया कि सभी प्लांट में पीजीए मिलता है? नहीं, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए बहुत सारे प्लांट में, तो उन्होंने मिला कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट CO2 का हमारे पास पीजीए है, लेकिन बहुत सारे प्लांट में हमें ओए मिला। ओए क्या है बेटा? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड मिला, यस, क्लियर है, सही है। अब देख लो बेटा, बहुत सारे प्लांट में C3 पाथवे है, क्लियर है, और दूसरे में मेरे पास क्या? C4 पाथवे। मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, बहुत सारे प्लांट में पीजीए मिला, साइंटिस्ट लोगों ने और भी प्रोडक्ट खोजे, तो क्या मिले? C4 पाथवे, मतलब पहला प्रोडक्ट ओए मिला। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, सिमिलैरिटी बिटवीन पीजीए एंड ओए, दोनों शुगर है या दोनों एसिड है? चैट में बताओ, सिमिलैरिटी बिटवीन पीजीए एंड ओए, दोनों शुगर है या दोनों एसिड है? सर दोनों एसिड है। ठीक है, जरा ये आंसर बताएंगे। कैल्विन यूज C14, C14 रेडियो आइसोटोप है, यस, एलगी डी ऑल, यस। आगे, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ C3 साइकिल इन प्लांट, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ C3 साइकिल इन प्लांट, ये बताओ,
हाँ बताओ भाई। ये वाला बताओ, अब यहां पर तुम कंफ्यूज होगे, अगर यहां पर लिखा हुआ है फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ, ये हटाकर लिखा हुआ CO2 फिक्सेशन इन प्लांट, तब तो आंसर आएगा डी, लेकिन अगर C3 साइकिल लिखा तो ए आएगा। क्वेश्चन समझ में आया? अगर लिखा हुआ है फर्स्ट CO2 फिक्सेशन इन प्लांट, मोस्ट PGA, कुछ में OA, तो बोथ ए एंड बी, फर्स्ट CO2 फिक्सेशन इन C3 साइकिल या केल्विन साइकिल, देन PGA। समझ में आया? समझ में आया? हाँ भाई, टिल्लू पिल्लू टाइप के बच्चों, आंखें खुलने से, यस यस, आ गया। अब मेरी बात सुनो, साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि पहला प्रोडक्ट पीजीए जो है वो 3 कार्बन का है और वो बना है CO2 को जोड़ने से, सही है, तो ये कितने कार्बन का होना चाहिए, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। तो बहुत सारे लोग जैसा कि आप सोच रहे हैं, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर 2 कार्बन का होना चाहिए, साइंटिस्ट 2 कार्बन का खोज रहे थे, नहीं मिला, उन्हें मिला RUBP जो 5 कार्बन की है और शुगर है। कैसी शुगर है? 5 कार्बन की, 5 कार्बन की, जिसमें कीटोन ग्रुप है येरा, और बिस फॉस्फेट, मतलब एक फॉस्फेट यहां है और एक फॉस्फेट यहां है, तो 2 फॉस्फेट वाली कीटो शुगर मिली, जिसके साथ CO2 जुड़ के PGA के 2 मॉलिक्यूल मिलते थे। ये चीज है। तो अगर आप क्वेश्चन देखें, PGA RUBP OA विच इज नॉट शुगर, PGA RUBP OA, इनमें से कितनी शुगर नहीं है बता, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है, शुगर नॉन शुगर, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। सर ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? ये तीन, ये एसिड है, ये एसिड है, भाई ये शुगर है, तो इसमें सिर्फ एक शुगर है, 1। नंबर ऑफ पीजीए मॉलिक्यूल बाई 10 मोल ऑफ आरयूबीपी, आरयूबीपी के साथ CO2 जोड़कर 2 पीजीए बने, तो अगर 1 मोल आरयूबीपी का लूंगा तो 2 मोल पीजीए के बनने हैं, तो 10 मोल ऑफ आरयूबीपी से कितने पीजीए बनेंगे? सर 20। क्या आएगा इसका? सर इसका भी ये आएगा। यस भाई, 1 RUBP 1 CO2 से 2 पीजीए बन रहे हैं, तो 10 मोल से कितने बनेंगे? समझ आया? सर 53 रॉन्ग है। अच्छा, नॉट शुगर पूछा है, ओहो गलती हो गई बेटा, गलती हो गई, बी आएगा 53 में, बी आएगा, ठीक कर लो, बी आएगा, यस बी आएगा, ठीक कर लो, गलती मैंने पढ़ा नहीं, नॉट शुगर, मैंने शुगर पढ़ लिया। विच स्टेप ऑफ C3 साइकिल फिक्स CO2 कार्बोक्सिलेशन, तो हम पढ़ेंगे C3 साइकिल जिसमें 3 स्टेप है, मैं दिखा देता हूं आपको, 3 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप है मेरे पास RUBP, देख इधर ध्यान से, RUBP, RUBP शुगर है 5 कार्बन की, उसमें मैंने बाहर से CO2 जोड़ा है, और देख लो इसने पानी भी ऐड किया, ध्यान रखना इस बात पे, इसे हमने कार्बोक्सिलेशन बोला है। यहां बना है, 3 कार्बन पर फॉस्फेट है, तो 3 पीजीए, इसके 2 मॉलिक्यूल बने, यस। अब यहां पर मैंने एक स्टेप किया, याद रखो शुगर बनाने के लिए रिडक्शन करनी पड़ती है, रिडक्शन के लिए मुझे क्या खर्च करना पड़ेगा? NADPH और साथ में ATP, ये 2 चीजें खर्च करनी पड़ेगी, ATP और NADPH मुझे खर्च करना पड़ेगा, कितना कितना, 2-2 मुझे खर्च करना पड़ा। इस प्रोसेस को कहते हैं रिडक्शन। व्हाट इज रिडक्शन? NADPH ने अपनी हाइड्रोजन इसको दी है, तो जो एसिड था, एसिड रिडक्शन करके किसमें कन्वर्ट हो गया? शुगर में, यस। तो ट्रायोस फॉस्फेट 3 कार्बन की शुगर है, इसके कितने मॉलिक्यूल बन गए? 2, यस। फिर हमारे पास एक स्टेप है रीजनरेशन, जिसमें RUBP वापसी रीजनरेट करते हैं, यहां पर एंजाइम चाहिए मुझे रुबिस्को, बाकी के स्टेप के नहीं, मुझे एंजाइम दे रखे। तो अगर 1 RUBP फिक्स, मतलब 1 CO2 फिक्स करोगे, तो 2 ATP यहां और 1 ATP यहां खर्च होता है, यस, और 2 NADPH। तो 1 CO2 जब हम फिक्स करते हहैं तो क्या बन, कितना, 3 ATP और 2 NADPH का खर्चा है। और स्टेप कौन कौन से हैं? कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन। क्वेश्चन ये आ सकता है बेटा, क्वेश्चन ये आ सकता है, देखो कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक ग्लूकोज बनाने में 6 CO2 फिक्स करनी होगी,
तो 18 एटीपी कितना आ जाएगा, एक ग्लूकोज के लिए कितना आ जाएगा सर, 18 एटीपी आ जाएगा और 12 एनएडीपीएच आ जाएगा, यस और नो, 12 एनएडीपीएच आ जाएगा, क्लियर है, बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बता दो, यस यस। अगर तुम्हें क्वेश्चन आए नंबर ऑफ एटीपी रिक्वायर ड्यूरिंग रिडक्शन ड्यूरिंग रीजनरेशन प्रोसेस व्हेन व्हेन 6 CO2 इज फिक्स, तो 6 आंसर आएगा, टोटल नंबर ऑफ एटीपी टू फिक्स 6 CO2 इज 18 एटीपी, क्लियर है, डन है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें करने हैं, ठीक है। अब आप देख लो, इसमें एक खास चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहां पर लिखा हुआ पहला, सबसे पहले सबसे क्रूशल स्टेप है कार्बोक्सिलेशन, पहला स्टेबल प्रोडक्ट बना है पीजीए जो कि एसिड है, यस, यहां पर लिखा हुआ रिजल्ट इन द टू मॉलिक्यूल ऑफ पीजीए, फर्स्ट स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड, रिडक्शन से क्या होता है, एसिड से शुगर बनती है, और यहां दो मॉलिक्यूल एटीपी के खर्च होंगे और दो एनएडीपीएच है, ठीक है, यस। और रीजनरेशन में वापसी मुझे आरयूबीपी बनाना है, यस। क्वेश्चन आ जाए, विच स्टेप जनरेट और फॉर्म शुगर इन सी थ्री साइकिल, ए रिडक्शन, बी रीजनरेशन, सी सी कार्बोक्सिलेशन। अब ध्यान रख लेना, इसमें अगर लास्ट में बोथ ए एंड बी दे दिया तो ये हो जाएगा, क्योंकि ए और बी दोनों स्टेप का फाइनल प्रोडक्ट शुगर ही है, रीजनरेशन में भी शुगर बन रही है आरयूबीपी और रिडक्शन में भी शुगर बन रही है, क्लियर है। लेकिन अगर यहां पर कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं है तो फिर तुम्हें शुगर बनाने के लिए डेफिनेटली रिडक्शन मार्क करना पड़ेगा। क्वेश्चन का फील आ गया कि कैसे करना है क्वेश्चन, अरे समझ में आया। एक लिख रहा अशोक आई लव यू, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, यस आगे आ जाए, ये दिख रहा है तेरे को 6 CO2 18 एटीपी। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो एनसीईआरटी की आपने ध्यान रखनी है, वो ये है कि अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो एटीपी जो है, एटीपी साइक्लिक प्लस नॉन साइक्लिक दोनों से बनती है और एनएडीपीएच सिर्फ नॉन साइक्लिक में बनता है, ये याद है। अच्छा, मुझे ज्यादा एटीपी की रिक्वायरमेंट है, इस चीज को एनसीईआरटी ऐसे लिख रही है कि इट इज प्रोबेबली टू मीट द डिफरेंस इन एटीपी और एनएडीपीएच नंबर दैट द साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। आप खुद से देखो, एटीपी साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों में बनती है, एनएडीपीएच सिर्फ नॉन साइक्लिक में बनता है, इस चीज को एनसीईआरटी लिखती है कि एटीपी और एनएडीपीएच के नंबर में फर्क है, 3 और 2 है, एक्स्ट्रा एटीपी कहां से आ रही है, क्योंकि साइक्लिक में भी एटीपी बनती है, 6 बार साइकिल घूमेगी एक ग्लूकोज बनाने के लिए, मतलब 6 कार्बन फिक्स करने के लिए। ये लाइन पकड़ पाए, ये लाइन पकड़ पाए कि नहीं, यस, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सवालों के जवाब दू। स्टेप यूज एटीपी, हाँ भाई, कौन कौन सा स्टेप एटीपी यूज कर रहा है, रिडक्शन रीजनरेशन कार्बोक्सिलेशन या डी, जल्दी बता बेटा, यस यस यार, इतना नेपाल पाकिस्तान से भी भेज रहे हो लव, शाबाश, बोथ ए एंड बी, यस। नंबर ऑफ एनएडीपीएच रिक्वायर टू फिक्स वन ग्लूकोज, एनएडीपीएच एक ग्लूकोज के लिए कितने चाहिए सर, 12 चाहिए, एक ग्लूकोज के लिए कितने एनएडीपीएच सर 12 चाहिए, यस, आगे आ जाओ। अब बात करते हैं फोटो रेस्पिरेशन की, मैं बात करूंगा यहां पर रुबिस्को की, और यहां से अब थोड़ा सा फास्ट रहेंगे और चीजों को खत्म करेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। टॉपिक का नाम है बेटा हमारे पास फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन का मतलब होता है जो रुबिस्को होता है ना, वो कैसे काम कर सकता है कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज की तरह, C3 साइकिल में एज अ कार्बोक्सिलेज काम कर रहा है, और वो वैसे काम कर सकता है कैसे, ऑक्सीजनेज की तरह भी काम कर सकता है। कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिन्हें ट्रॉपिकल कंडीशन कहते हैं, जहां लाइट इंटेंसिटी ज्यादा है, जहां तापमान ज्यादा है, CO2 की कंसंट्रेशन लो है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई है, वहां पर रुबिस्को कैसे काम करता है, एज अ ऑक्सीजनेज की काम करता है। तो C3 C4 प्लांट में एक डिफरेंस होता है फोटो रेस्पिरेशन का, ठीक है,
CO2 फिक्सेशन स्टेप में RUBP CO2 के साथ कंबाइन करके PGA बनाता है, लेकिन लेकिन थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं। लेकिन रूबिस्को जो मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है, ठीक है, वो क्या कर सकता है? CO2 और ऑक्सीजन दोनों को कंबाइन कर सकता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए। रूबिस्को के पास ज्यादा एफिनिटी है CO2 के लिए, वो CO2 से ज्यादा प्यार करता है। ये बात कैसे साबित होती है बताता हूं। बाहर एनवायरनमेंट में 21% क्या है? ऑक्सीजन। CO2 है 0.038%। इतनी कम परसेंट CO2 भी अगर कंबाइन हो पा रही है, इसका सीधा मतलब है रूबिस्को का प्यार किसके लिए ज्यादा है? CO2 के लिए। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन बन जाती है कि ऑक्सीजन जुड़ पाती है, ठीक है। What happen? Imagine what you happen if they were not so, अगर ज्यादा प्यार और binding is purely competitive, हाँ, अगर ऐसा होता, it is the relative concentration of oxygen and CO2 that determine which of the two will bind. मतलब अगर ऑक्सीजन बढ़ेगी तो उसको मौका मिलेगा, पर वैसे एफिनिटी किसके लिए ज्यादा है? CO2 के लिए। यस, जरा ये कर लेते हैं क्वेश्चन। कंडीशन फॉर फोटो रेस्पिरेशन बता भाई, ट्रॉपिकल कंडीशन, टेम्परेट, एक्वेटिक प्लांट या नन? ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल का मतलब होता है इक्वेटर के पास। यस यस यस, इक्वेटर के पास। यस यस यस, ठीक है, आगे आ जाओ। अब कह रहे हैं इन फोटो रेस्पिरेशन थीन CO2 रिलीज, मतलब फोटो रेस्पिरेशन समझा देता हूं आपको। फोटो रेस्पिरेशन का जो रिएक्शन है बेटा, रिएक्शन कैसा है थोड़ा सा मैं बता देता हूं। देख, मेरे पास क्या होता है, जो RUBP होता है, RUBP कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ, ये पांच कार्बन है। मेरे पास बनता है PGA और साथ में बनता है फॉस्फोग्लाइकोलेट, जो दो कार्बन का मॉलिक्यूल है। क्लियर है? यस। अब ये एक साइकिल में घूमता है जिसे C2 साइकिल या फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं, और PGA वापसी बन जाता है। पर आपको पता है कि दो कार्बन का कंपाउंड तीन कार्बन का कंपाउंड नहीं बना सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। इसका मतलब मुझे सबको दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? सबको मुझे दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरे पास अगर आप ध्यान से देखें, 2 × 5 कार्बन का RUBP, टोटल कितनी कार्बन होगी? 10 कार्बन। PGA 2 × ये 3 × 2 कार्बन, टोटल हो गई 6 कार्बन। अब कितनी बच गई? फॉस्फोग्लाइकोलेट कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का। इसके कितने मॉलिक्यूल घूमते हैं? 2। एक CO2 निकल जाता है, दो मॉलिक्यूल दो कार्बन के, टोटल 4 कार्बन होगी, एक CO2 निकल गया, तो वापसी क्या बन जाएगा? PGA बन जाएगा। तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, देखो, अगर 3 CO2 रिलीज हुई है तो कितने फॉस्फोग्लाइकोलेट चाहिए? अगर आप ये समझ सको, अगर आप ये समझ सको, देख बेटा, एक CO2 रिलीज होने के लिए मुझे 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट चाहिए या 2 RUBP इन्वॉल्व होंगे। अगर मुझे 3 CO2 रिलीज करनी है तो मुझे कितने फॉस्फोग्लाइकोलेट चाहिए? यह आएगा आंसर। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ भाई, पिल्लू पिल्लू टाइप के बच्चों। यस, 6 आएगा। यस, 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट से 1 CO2 रिलीज होती है तब PGA बनता है। तो फोटो रेस्पिरेशन में 3 CO2 रिलीज करने के लिए कितने फॉस्फोग्लाइकोलेट चाहिए? सर 6 चाहिए, उतने ही RUBP चाहिए। आगे आ जाओ, इधर देख बेटा, इन C3 प्लांट ऑक्सीजन डस बाइंड टू रूबिस्को एंड हेंस CO2 फिक्सेशन डिक्रीज। कैसे डिक्रीज हो जाता है? CO2 रिलीज हो रही है। RUBP इंस्टेड ऑफ कन्वर्टेड इंटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA, RUBP से 2 PGA नहीं बनते। RUBP ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो क्या बनता है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ PGA प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन का। इसको कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। देयर इज नथिंग सिंथेसिस ऑफ शुगर, यहां कोई शुगर तो बन नहीं रही है फोटो रेस्पिरेशन में, नहीं बन का रही है, फॉस्फोग्लाइकोलेट बना है ना, इसमें ATP बन रही है, ठीक है, बल्कि इसमें CO2 रिलीज हो रही है और कुछ ना कुछ ATP खर्च हो रही है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ATP खर्च कैसे हो रही है कि जो मेहनत से CO2 हमने फिक्स करी थी वो वेस्ट हो रही है। तो शुगर नहीं बन रही है फोटो रेस्पिरेशन में, CO2 रिलीज हो रही है, ATP बन नहीं रही है, ATP खर्च हो रही है। क्लियर है? इन द फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे देर इज नो सिंथेसिस ऑफ ATP। ये लाइनें ध्यान रखनी है आपने, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, फोटो रेस्पिरेशन में क्या ATP बनती है? नहीं, ATP और NADPH एक तरीके से खर्च होती है इनडायरेक्टली।
तो नॉट इन्वॉल्व इन फोटो रेस्पिरेशन क्या आएगा? एटीपी सिंथेसिस होती है? नहीं होती. एनएडीपीएस सिंथेसिस होती है? नहीं होती. एटीपी यूज होती? होती है. ये इन्वॉल्व है. तो आंसर क्या आएगा? डी. क्वेश्चन ध्यान रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट है. एंजल बेटा सेकंड मैं कल परसों में दे दूंगा आपको. यस, आ जाइए. इन सी फोर प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती, क्योंकि वहां पे कुछ ऐसा करते हैं कि रूबिस्को के आसपास CO2 कंसंट्रेट हो जाए. कंसंट्रेट मतलब ज्यादा हो जाए. क्लियर है? सही है. किसी तरीके से CO2 बढ़ाते हैं सेल्स के बीच में. रूबिस्को फंक्शन एज अ कार्बोक्सिलेज. क्लियर है? उससे ऑक्सीजनेस की एक्टिविटी नहीं होने देते. मतलब क्या है, हम सी फोर प्लांट में कुछ ऐसा करेंगे कि रूबिस्को एज अ क्या काम नहीं करेगा, ऑक्सीजनेस की तरह काम नहीं करेगा. तो हम यहां बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन की. CO2 कंसंट्रेशन मैकेनिज्म प्रेजेंट इन, मतलब ऐसा मैकेनिज्म जिसमें CO2 कंसंट्रेट होती है, ये किसमें होता है? C3 प्लांट में होता है क्या? ऑल प्लांट्स तो नहीं होगा. फिर क्या आएगा? C4 प्लांट आएगा. C4 प्लांट में CO2 को कंसंट्रेट करते हैं. बायोसिंथेटिक फेज टू फॉर्म ग्लूकोज अकर इन C4 प्लांट. मैं रिपीट कर रहा हूं, बायोसिंथेटिक फेज टू फॉर्म ग्लूकोज अकर इन C4 प्लांट इन. अब हम C4 प्लांट के बारे में पढ़ेंगे. वहां पर दो सेल है, एक मीजोफिल सेल है, एक बंडल शीट सेल है. मीजोफिल सेल में लाइट रिएक्शन होता है, हम ही पढ़ेंगे. और जो डार्क रिएक्शन है जिसे बायोसिंथेटिक फेज कहते हैं, जिसमें ग्लूकोज बनता है, वो हमारे पास किसमें होता है? बंडल शीट सेल में. ठीक है, तो अब हम C4 प्लांट पढ़ेंगे, फिर लास्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस. वी हैव 15-20 मिनट्स मोर. बस नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सा इसको और कम करेंगे, दो घंटे में लाएंगे लेक्चर को किसी भी चैप्टर के, ताकि बहुत सारे क्वेश्चन कर सके, लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन कर सके और सारी चीजें कर सके. ठीक है, आ जाते हैं बेटे. एक बार C4 प्लांट थोड़ा सा बता देते हैं. C4 प्लांट में दो तरह के सेल होते हैं, एक मीजोफिल सेल होता है और एक बंडल शीट सेल होता है. बंडल शीट सेल्स की जो दीवारें होती हैं वो इम्परवियस होती है, इसमें क्या नहीं आती, कोई गैस नहीं आ सकती. मीजोफिल सेल में बाहर से CO2 आता है, वो तीन कार्बन के प्राइमरी एसेप्टर फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, ये ग्लाइकोलिसिस का सेकेंड लास्ट प्रोडक्ट है, इसके साथ कंबाइन होता है CO2. चार कार्बन का OA बनता है, ये OA बनाता है मैलिक एसिड जो चार कार्बन का है. मैलिक एसिड के साथ एनसीईआरटी एस्पार्टिक एसिड भी लिखती है. एस्पार्टिक एसिड और मैलिक एसिड में सिर्फ कितना फर्क होता है, एक NH2 एक्स्ट्रा होता है इसमें बस. मैलिक एसिड का यहां ट्रांसपोर्ट होता है, मैलिक एसिड से बनता OA. OA चार कार्बन का है, इस OA में से CO2 निकाल के दे देते हैं यहां रूबिस्को होता है. तो रूबिस्को हमारे पास कौन से सेल में होता है? बंडल शीट सेल में. तो सबसे पहला क्वेश्चन, पहला प्रोडक्ट क्या है? चार कार्बन का OA ऑर्गेनिक एसिड. दूसरा क्वेश्चन, डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है CO2 रिलीज करके रूबिस्को को देना, क्योंकि यहां पर C3 साइकिल होती है इस वाले सेल में. तो बंडल शीट सेल जो ये है, इसमें बाहर से कोई गैस एंटर नहीं करती, यहां होती है कौन सी साइकिल, यहां होती है सी थ्री साइकिल. पाइरुवेट जो तीन कार्बन का है वापसी जाता है, और इस पाइरुवेट से टीपी बनता है, जहां पर दो एटीपी खर्च हो जाते हैं. कितने खर्च हो जाते हैं? दो एटीपी. दो एटीपी का खर्चा है बेटा यहां पर. इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि एक सीओ टू जो बाहर से आई है उसको फिक्स करने में एटीपी कितने लगेंगे, सी थ्री साइकिल में यहां ग्लूकोज बनेगा तो तीन एटीपी यहां हो गए, और उसके अलावा ये दो एटीपी रीजनरेशन के. तो एक CO2 फिक्स करने में C4 प्लांट में पांच एटीपी लगेंगे. क्या क्या पॉइंट है देखो, मीजोफिल सेल में एंजाइम कौन सा प्रेजेंट है? पैपकेज. ये वो एंजाइम है जो इसको और इसको कंबाइन करता है. इसमें बंडल शीट में प्रेजेंट है रूबिस्को. यहां पर CO2 एसेप्टर की बात करें तो यहां पर CO2 एसेप्टर PP है, यहां पर इस वाले में RUBP के साथ CO2 कंबाइन होता है. थिक वॉल किसकी है? मीजोफिल सेल में गैस एंटर करती है, इसकी थिक वॉल नहीं होती, इसकी वॉल थिक होती है. परवियस का मतलब गैस एंटर करना, इसमें एंटर कर सकती है, इसमें गैस एंटर नहीं कर सकती. मीजोफिल सेल का साइज स्मॉल होता है, उसमें लेस से क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और गैस की मूवमेंट की वजह से इसमें इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं बेटा. क्या होते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं. यस, बंडल शीट सेल में मेरे पास क्या होगा बच्चे? बंडल शीट सेल लार्ज होता है, इसमें ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और इंटरसेलुलर स्पेस क्या होगा? एब्सेंट होगा. क्लियर है कि नहीं? सी फोर प्लांट आपको याद रखने हैं शुगर केन, सोरगम और मेज. यस यस यस,
क्लियर है। अब हम बात करते हैं बेटा इसकी, सीफोर प्लांट जो है मुझे कहां मिलेगा, ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में मिलेगा, ठीक है, क्लियर है, यस। और उसमें क्या होगा, पहला CO2 फिक्सेशन यूज इन C3 पाथवे, क्या है, क्या ये यूज करेंगे, C3 पाथवे यूज करेंगे, यस, क्लियर है, यस। अब देखो C4 प्लांट आर स्पेशल, दे हैव स्पेशल लीफ एनाटॉमी, उनमें मिलती है क्रैंज एनाटॉमी, जिसमें वास्कुलर बंडल के चारों तरफ माला की फॉर्म में, रीत की फॉर्म में बंडल शीथ सेल होते हैं, बंडल शीथ सेल बड़े साइज के रीत की फॉर्म में होते हैं, फिर छोटे छोटे मीजोफिल सेल होते हैं, दे प्रेजेंट एट हाई टेम्परेचर, हाई लाइट इंटेंसिटी, और यहां पर क्या होता है बेटा, पानी मतलब हाई लाइट में और हाई टेम्परेचर पे भी ज्यादा खाना बन जाता है, ठीक है, आगे आ जाते हैं। ये आपको दिखा रखा है ये चीज, ये मीजोफिल सेल है, बंडल शीत सेल है, यहां पर सबसे पहले CO2, यहां पर बेटा SCO3 का मतलब CO2 होता है, जिस बच्चे को ना पता हो, CO2 प्लस पानी H2CO3 बनेगा, और फिर उसमें से प्रोटोन हटा देंगे तो SCO3 बनेगा, और ये मेरे पास PEP है, इससे मेरे पास ये जो C4 एसिड है ये OA है, OA से मैलिक एसिड बनेगा जिसका ट्रांसपोर्ट होगा, तो पहला स्टेप फिक्सेशन है, दूसरा ट्रांसपोर्ट है, तीसरा उसमें से CO2 निकाल के दे दी है केल्विन साइकिल को, फिर तीसरा स्टेप है डी कार्बोक्सिलेशन, फोर्थ है ट्रांसपोर्ट, किसका, तीन कार्बन के कंपाउंड का, इस तीन कार्बन के कंपाउंड के रीजनरेशन में 2 ATP खर्च होती है, क्लियर है। आप देख सकते हो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल, इसकी सेल वॉल पतली है, इसकी सेल वॉल मोटी होती है, इसे हम कहते हैं इंपरवियस, यस, क्लियर है, आगे आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। अब देखो क्रैंज एनाटॉमी बता दी, क्रैंज एनाटॉमी बता दी, लीफ में मिलती है, ठीक है, बंडल शीट सेल में फॉर्म सेवरल लेयर अराउंड द वास्कुलर, कई लेयर बनाते हैं, ज्यादा क्लोरोप्लास्ट है, कोई इंटरसेलुलर स्पेस उनमें नहीं है क्योंकि गैस नहीं मूव करनी, मेज सॉर्गम और शुगर केन याद करना आपने, यस। क्रैंज एनाटॉमी इज रिफ्लेक्शन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ, क्रैंज एनाटॉमी देखो क्या लिखा हुआ है, रिफ्लेक्शन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ, डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लेगा यहां से, क्रैंज एनाटॉमी किसका रिफ्लेक्शन है, किसकी अरेंजमेंट का रिफ्लेक्शन है, बता बता, बेटा मैं शॉर्ट कर रहा हूं, मैं पूरा कैसे पढ़ाऊंगा इसमें, मैं तुझे रिवाइज कर रहा हूं साथ के साथ क्वेश्चन करा रहा हूं, 60 से ज्यादा क्वेश्चन तुझे करा दिया अभी, तू लग रहा है कि हाँ, रिफ्लेक्शन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल क्या होता है बेटा, C4 प्लांट में, मैं रिपीट कर देता हूं एक एक चीज, दो तरह के सेल है, मीजोफिल सेल और बंडल शीत सेल, मीजोफिल सेल में CO2 लाते हैं, पीपी के साथ कंबाइन करके बनाते हैं ओए, ओए को कन्वर्ट करते हैं मैलिक एसिड में, मैलिक एसिड का करते हैं ट्रांसपोर्ट, मैलिक एसिड से वापसी बनाते हैं ओए और वहां से CO2 निकालते हैं, स्टेप्स क्या है, पहला कार्बोक्सिलेशन, प्राइमरी CO2 रिसेप्टर यहां पीपी है तीन कार्बन का, सेकंड स्टेप है ट्रांसपोर्ट, तीसरा स्टेप है डी कार्बोक्सिलेशन, उससे CO2 किसको मिल जाती है, रूबिस्को को, चौथा स्टेप है ट्रांसपोर्ट तीन कार्बन के कंपाउंड का, फिफ्थ स्टेप है रीजनरेशन जहां 2 ATP लगती है, क्लियर है। पैपकेस कहां होता है, मीजोफिल सेल में, रूबिस्को कहां होता है, बंडल शीत सेल में, C4 प्लांट में क्या C3 साइकिल होती है, यस, C4 साइकिल होती है, यस, C2 साइकिल होती है, नो, C2 साइकिल नहीं होती, यस, C2 साइकिल नहीं होती, ठीक है, आगे आ जाते हैं, जल्दी से करेंगे बेटा, अब आ जाओ, आगे आ जाओ, अब देखो इसी का नाम है सेलेक्ट पाथवे है C4 का, ठीक है सेलेक्ट पाथवे है, तो प्राइमरी CO2 रिसेप्टर पीपी है, ठीक है, पैपकेज कह रहे हैं उसको, एंजाइम का नाम क्या है, पैपकेज, देख याद कर बेटा, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज पैपकेज, रूबिस्को में कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज दोनों है, ठीक है, क्लियर, आगे आ जा। अब देख चार कार्बन का कंपाउंड लाइक मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, देख रहे हो, इट देन फॉर्म, किसकी बात कर रहा हूं, ओए की, ओए देन फॉर्म मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, जिसका ट्रांसपोर्ट करते हैं, बंडल शीत सेल में दिस C4 एसिड ब्रोकन डाउन इनटू CO2 एंड 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो पाइरुवेट है, यस, क्लियर है। अब आ जाओ, 3 कार्बन मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्टेड बैक टू द मीजोफिल सेल और कन्वर्टेड इनटू पीपी अगेन, दोबारा से क्या बना देते हैं, पीपी बना देते हैं, ठीक है, और उसमें कितने एटीपी लगते हैं, 2 ATP, क्लियर है, आगे चलते हैं, यहां आ जाओ क्वेश्चन करेंगे, PS1 बेटा एक क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से ये वाला करो, हाइएस्ट कार्बन इन, मुझे जरा क्वेश्चन मत में बताओ, सबसे ज्यादा कार्बन किसमें, प्रोडक्ट ऑफ C3 क्या है, PGA,
कितनी कार्बन है? 3 कार्बन. फर्स्ट प्रोडक्ट लिखना चाहिए. प्रोडक्ट ऑफ सी फोर प्लांट, फर्स्ट प्रोडक्ट क्या? ओए. ओए में कितनी कार्बन है? 4 कार्बन. प्राइमरी सीओ टू एक्सेप्टर ऑफ सी थ्री क्या? आरयूबीपी. कितनी कार्बन है? 5 कार्बन. पीपी में कितनी कार्बन है? 3 कार्बन. तो हाईएस्ट कार्बन किसमें प्रेजेंट है? सी आएगा. क्या आएगा? सी आएगा बेटा. सी आएगा, जल्दी बताओ. यस, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ. पीएस वन प्रेजेंट इन सी फोर प्लांट. ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. कौन बताएगा इसे? मेरी बात सुन ध्यान से. ये मेसोफिल सेल है, बंडल शीट सेल है, ठीक है. इसमें थायलाकोइड ग्रैनल होते हैं, इसमें स्ट्रोमल लैमेली होते हैं. ग्रैनल थायलाकोइड में पीएस टू और पीएस वन दोनों होता है, क्योंकि पीएस टू क्या बनाता है? ऑक्सीजन. इस वाले में पीएस टू नहीं हो सकता बंडल शीट सेल में. इसमें पीएस वन एबसेंट होता है बेटा, सॉरी पीएस टू एबसेंट होता है, पर पीएस वन प्रेजेंट होता है. तो अगर आपसे कोई कहे कि सी फोर प्लांट में पीएस वन कहां होगा? सर, मेसोफिल सेल, बंडल शीट सेल और बोथ दोनों में होगा. पीएस टू कहां प्रेजेंट होगा? सी फोर प्लांट में. वो सिर्फ किसमें होगा? मेसोफिल सेल में, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन बनेगी. मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर पीएस टू और पीएस वन दोनों प्रेजेंट होते हैं तो ऑक्सीजन बनती है. ऑक्सीजन अगर मैं इस सेल में बना दूंगा तो रुबिस्को को दिक्कत होगी, इसीलिए वो इसमें ही बना सकते हैं. तो अगर पूछा जाए पीएस टू किसमें प्रेजेंट है तो आप लिखोगे मेसोफिल सेल. पीएस वन किसमें प्रेजेंट है? दोनों में. यह लॉजिक समझ में आया? रीजन ये कह रहा हूं कि पीएस टू पीएस वन कहां प्रेजेंट होना चाहिए? जहां पर ऑक्सीजन बन सके. क्या बंडल शीट सेल में रुबिस्को है, वहां ऑक्सीजन बना सकते? नहीं बना सकते. यस, नहीं बना सकते. लेकिन पीएस वन क्या करता है? साइक्लिक करके कम से कम एटीपी तो बना देगा. तो अगर आपसे पूछा जाए साइक्लिक इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, नॉन साइक्लिक सिर्फ इसमें होगा. चलिए आगे चलेंगे, ये टेबल कर लेंगे आप लोग आसानी से. इस टेबल को करने के लिए आपको क्या क्वेश्चन ध्यान रखने, सुन लो ध्यान से. ये चीज ध्यान रखना, फोटो रेस्पिरेशन एबसेंट इन, मुझे बताना. ए लो ओ टू कंसेंट्रेशन इन सी थ्री प्लांट, बी हाई ओ टू कंसेंट्रेशन इन सी फोर प्लांट, सी हाई लाइट इंटेंसिटी, इन सी फोर प्लांट, एंड डी मेरे पास ऑल. फोटो रेस्पिरेशन कब एबसेंट होता है? पहला सी थ्री में, जब लाइट इंटेंसिटी लो हो, ऑक्सीजन लो हो, सीओ टू हाई हो, टेम्परेचर लो हो, ये एबसेंट तब होगा. और सी फोर में ऑल कंडीशन हमेशा ही एबसेंट होगा. तो अगर मैंने यहां सी थ्री की बात करी है तो लो ऑक्सीजन, ये ठीक है. मैंने कहा सी फोर में हर कंडीशन में, तो ये भी ठीक है सारे, इसलिए ऑल आएगा. क्वेश्चन समझ में आया? एक बहुत शानदार क्वेश्चन ये बनता है, सी थ्री प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट कब होगा? जब लाइट इंटेंसिटी लो हो, टेम्परेचर लो हो, ऑक्सीजन लो हो और सीओ टू ज्यादा हो. यस, और टेबल से बनेगा. क्वेश्चन समझ में आया है? बहुत शानदार क्वेश्चन है. मान लो मैं यहां पर लिख दूं कि फोटो रेस्पिरेशन प्रेजेंट इन हाई लाइट इंटेंसिटी इन सी फोर प्लांट, लो टेम्परेचर इन सी फोर प्लांट, हाई टेम्परेचर इन सी फोर प्लांट, नन. सी फोर प्लांट में तो फोटो रेस्पिरेशन होता ही नहीं है. फोटो रेस्पिरेशन सिर्फ सी थ्री प्लांट में होता है. वो 4 कंडीशन याद रखनी है, उसके अराउंड करते चले जाओ बस. ये सारी टेबल उसी से बनानी है हमने. डन है, ये टेबल उसी से बनानी है, ठीक है. यस, क्लियर है. अब आओ फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे. मेरी बात सुने ध्यान से सारे बच्चे. फैक्टर्स मेरे पास किसको अफेक्ट करता है? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. रेट का क्या मतलब होता है? स्पीड. ध्यान से सुन, रेट का मतलब होता है स्पीड. इकोसिस्टम में जो प्रोडक्टिविटी दे रखी है उसका मतलब होता है अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस. कितना खाना बना, किस स्पीड से बना, उसे रेट कहते हैं. रेट को डिपेंड करने के लिए 2 फैक्टर है, एक्सटर्नल इंटरनल. एनसीआरटी क्या बोलती है देख, एनसीआरटी कहती है 2 तरह के फैक्टर है, एक्सटर्नल इंटरनल, इंटरनल और एक्सटर्नल. जो नंबर, साइज, एज, ओरिएंटेशन ऑफ लीफ, मेसोफिल सेल, यहां पर इस पर खासी नजर रखना. इंटरनल सीओ टू कंसेंट्रेशन इस पर तुम्हें फंसा सकता है, क्योंकि सीओ टू देख के तुम एक्सटर्नल मार्क कर दोगे.
क्लियर है, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, ये सारे इंटरनल है और ये डिपेंड करते हैं प्लांट की जीन पे, जिसे जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन कहते हैं। तो क्वेश्चन आएगा विच इज नॉट ड्यू टू जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, एक्सटर्नल CO2, इंटरनल CO2, स्टोमेटा ओपन, बता भाई कौन सा, ये क्या पूछ रहा है, ये तेरे से पूछ रहा है एक्सटर्नल कंडीशन कौन सी है, एक्सटर्नल फैक्टर कौन सा है, ये वाला, बाकी के सारे इंटरनल हैं, बाकी के ये तीन क्या है, इंटरनल है। यहां तक समझ में आ रही है? ठीक है, ठीक है, यहां फंसा सकता है इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन। आगे आते हैं बेटा, आगे आते हैं, हम ये कहते हैं कि यहां पर एक लॉ है, एक्सटर्नल फैक्टर चार दे रखे हैं, वहां पर लॉ है CO2 कंसंट्रेशन, वाटर और सनलाइट। आप याद रखना, ध्यान से सुनो, लॉ का नाम है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कहता है कि किसी भी बायोकेमिकल प्रोसेस को अगर एक से ज्यादा फैक्टर कंट्रोल करते तो रेट कौन डिटरमाइन करेगा, द फैक्टर विच इज मोस्ट लिमिटिंग। इसका क्वेश्चन ऐसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा बेटा, ध्यान सुनेंगे, एट लो लाइट इंटेंसिटी, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, इंटेंसिटी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज व्हेन ए लाइट इंक्रीज, बी लाइट एंड टेम्परेचर इंक्रीज, सी लाइट एंड वाटर इंक्रीज, डी बता भाई, ऑल बता, जल्दी से जल्दी बता, अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, 10 मिनट मोर, यस यस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है, देखो लॉ अगर तुमने समझा है, रेट किसी भी चीज पे डिपेंड तब करेगा, एक सिंगल फैक्टर पे डिपेंड करेगा, इनमें दो दो फैक्टर लिखे हुए हैं और यहां लिखा हुआ लो लाइट इंटेंसिटी, जिसके आगे लो लिखा हो उसी के बढ़ने पे रेट बढ़ता है, ए आएगा, ए डी नहीं आ सकता, क्योंकि लॉ ये कहता है कि रेट एक फैक्टर पे, बाकी तीन में तो दो दो लिखे हैं। यस यस यस, ठीक है, अब आते हैं लाइट इंटेंसिटी की बात करते हैं। ध्यान रखना, रेट जो है बेटा यहां पर क्लियरली मेंशन है कि हमें पता होना चाहिए लाइट की क्वालिटी का मतलब वेवलेंथ, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन। यस 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 यस, देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन इंसिडेंट लाइट, मतलब हमारे पास एक ग्राफ है किसके बीच में, रेट और इंटेंसिटी के बीच में, इसी को कह रहा है लीनियर रिलेशनशिप। ठीक है, रेट का मतलब CO2 फिक्सेशन, सीधी लाइन है जो बाद में कांस्टेंट हो रही है, ऐसे एट हायर लाइट इंटेंसिटी रेट डिपेंड नहीं करता, तो इसका मतलब लो लाइट पे मेरे पास रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लाइट से, हाई पर रेट डिपेंड नहीं कर रहा। और एनसीईआरटी कहती है 10% लाइट काफी होती है, 10% ऑफ फुल सनलाइट काफी है रेट के लिए। यस, और कहां पर रेट, मतलब रेट अफेक्ट होता है लाइट से, शेड में और डेंस फॉरेस्ट में। अगर मैं लाइट बहुत ज्यादा बढ़ा दूं तो ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल होता है, रेट घट जाता है। मतलब अगर मैं आपसे कहूं आफ्टरनून में लाइट की वजह से रेट अगर घट रहा है तो इसका मतलब फोटो ऑक्सीडेशन हो रही होगी, ये लिखा हुआ है। आगे ये ग्राफ है, तुम देख सकते हो यहां पर इस वाले हिस्से में रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइट, इसका मतलब ये लो लाइट इंटेंसिटी है यहां तक, इसके बाद ये किसी और फैक्टर पे होगा। अगर मैं कहूं आपसे एट सी, क्वेश्चन आ जाए एट सी, रेट नॉट डिपेंड ऑन एट सी, ऐसा आ जाए तो ए मैं लिख दूं लाइट इंटेंसिटी, फिर मैं बी लिख दूं टेम्परेचर, मैं फिर लिख दूं सी में लिख दूं बेटा वाटर, और डी में लिख दूं ऑल, तो यहां पर रेट लाइट पे डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि कांस्टेंट हो गया, किसी और फैक्टर पे डिपेंड करेगा, इसलिए आंसर आएगा ऐसा। तो ये ग्राफ आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, टेम्परेचर को लेके आपने क्या याद रखना है बेटा, हमेशा याद रखो टेम्परेचर मेनली क्या अफेक्ट करता है, एंजाइम को, किसमें ज्यादा एंजाइम है। देखो क्वेश्चन आएगा, टेम्परेचर हैव मोर इफेक्ट ऑन ए लाइट रिएक्शन, बी डार्क रिएक्शन, सी बोथ।
अगर क्वेश्चन आता है ज्यादा इफेक्ट किस पर है तो आप लिखोगे डार्क रिएक्शन, उसमें एंजाइम ज्यादा है। लेकिन अगर यहां पर मोर वर्ड ना लिखे, लिखे टेम्परेचर हैव इफेक्ट ऑन, तो फिर बोथ आएगा। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ भाई, देख लो यहां पे क्या लिखा हुआ है। दो लाइट रिएक्शन आर ऑल्सो टेम्परेचर सेंसिटिव, दे आर अफेक्टेड लेस एक्सटेंट, ये लिखा हुआ है। C3 और C4 का टेम्परेचर ऑप्टिमम अलग अलग है। यस यस, ट्रॉपिकल प्लांट में टेम्परेचर ज्यादा पे सर्वाइव करता है प्लांट। ट्रॉपिकल प्लांट मतलब C4 की बात कर रहा है, क्लियर है। अब हम बात कर रहे हैं वॉटर की। देख लो, वॉटर एक ऐसा फैक्टर है जो डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं होता। देख बेटा इधर, हमेशा याद रख, पानी जो होता है ना बेटा, हमेशा याद रख, क्लोरोप्लास्ट में इतना पानी तो है ना कि पानी टूट सकता है। पानी की वजह से ये लीफ जो है इसका सरफेस एरिया कम हो जाता है ऐसे, या स्टोमेटा बंद हो जाता है। तो एनसीईआरटी ये बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये क्या कह रहा है, रेदर देन डायरेक्टली क्या कह रहा है, इफेक्ट ऑफ वॉटर फैक्टर इज मोर थ्रू इफेक्ट ऑन ऑन प्लांट। प्लांट पर इफेक्ट है, डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं कर रहा। इतना पानी है कि चल जाएगी फोटोसिंथेसिस, पर पानी की कमी से क्या होता है, स्टोमेटा बंद हो जाता है या लीफ मुरझा जाती है। क्या होता है, सरफेस एरिया घट जाता है। यस, अब CO2 इसमें शायद स्लाइड में मिस हो गया, ठीक है, पर CO2 के लिए एक चीज याद रख लेना बेटा। CO2 के लिए मैं बता देता हूं आपको CO2 कंसंट्रेशन। यहां पर आपको क्वेश्चन आ सकता है, ग्रीन हाउस प्लांट किसे कहते हैं? ग्रीन हाउस प्लांट क्या होते हैं बेटा? C3 प्लांट होते हैं। आर ए ऑल C3 प्लांट, बी C4 प्लांट्स, सी C3 प्लांट्स विच कैन बी ग्रोन इन ग्रीन हाउस। मेरी बात समझिए, इंपॉर्टेंट है ये भाई। ग्रीन हाउस मतलब कवर करके, ग्लास में कवर करके आम के पेड़ नहीं लगाते वहां, या तो टोमेटो उगाते हैं या बेल पेपर उगाते हैं। यस yes, और C3 प्लांट में CO2 बढ़ने से फायदा होता है। तो यहां पर आंसर सी आएगा। सारे C3 प्लांट को ग्रीन हाउस प्लांट नहीं कहते बेटा। क्वेश्चन आ जाए कि कौन से प्लांट्स को बेनिफिट होगा CO2 बढ़ने से, सारे C3 प्लांट को, पर ग्रीन हाउस प्लांट सारे C3 प्लांट नहीं है, क्योंकि सारे तुम आम का पेड़ ग्रीन हाउस में कैसे लगाओगे? मेरी बात समझिए, वहां छोटे प्लांट्स लगाए जाते हैं। क्लियर है? यस क्लियर है। आइए, हाँ भाई, ये कैसे करोगे? ये तो हो जाए 5 मिनट, देखें तुम्हारी पास। ये कर सकते हैं, फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन सॉर्गम। हाँ भाई, सॉर्गम क्या है? C4 इसका पहला फिक्सेशन प्रोडक्ट। आसान है, कर ले जल्दी से। ओए, यस यस, ये तो है नहीं, ये PGA हो गया, ये नहीं है। मैंने कहा 3 ही नाम याद करने, सॉर्गम, शुगर केन, मेज, द फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट CO2 फिक्सेशन इन सॉर्गम। अच्छा, यही तो है, ये हो गया। ये द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रूबिस्को एंजाइम इन फोटो रेस्पिरेशन। देख, रूबिस्को ऑक्सीजनेशन की तरह काम कर रहा है, मतलब पीजीए को RUBP को कंबाइन कर रही है। अच्छा क्वेश्चन था, ऑक्सीजन के साथ, यहां पेशेंस चाहिए थी। पीजीए बनेगा और पीजी बनेगा, ठीक है। वन मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड, देख ध्यान से देखियो, वन मॉलिक्यूल ऑफ 6 कार्बन का कुछ बन रहा है इसमें। ये 3 कार्बन है, ये 2 कार्बन है, इसके एक एक मॉलिक्यूल बन रहे हैं। वन मॉलिक्यूल ऑफ 4 कार्बन का कुछ बना है इसमें क्या? नहीं बना। 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड, ये कब होगा? जब वो कार्बोक्सिलेज की तरह काम करेगा। तो अगर आप देखो, इसने इसकी बात नहीं करी, पर इसकी बात तो कर दी है, इसलिए ये क्वेश्चन अच्छा था बेटा। बच्चों ने गलत भी किया, क्योंकि वो आंसर अपनी मर्जी का खोज रहे थे। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। यस भाई, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी से हमारे पास क्या बनेगा? पीजीए, और ये बनेगा। यस, वन मॉलिक्यूल ऑफ 2 कार्बन, पर ये कहां है? ये 4 कार्बन का है, इसलिए गलत हुआ था तुम्हारा। समझ में आ रहा है? ये आएगा, आ गया। जाओ,
लाइट रिएक्शन में प्लास्टोक्विनोन, पीक्यू क्या है बेटा, हाइड्रोजन कैरियर था। पीक्यू किसको देता है, देख पीएस टू के बीच में क्या पढ़ते हैं, फियोफाइटिन प्लास्टोक्विनोन साइटोक्रोम बी सिक्स एफ प्लास्टोसाइनिन और पीएस वन है, ये है कि नहीं। तो प्लास्टोक्विनोन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन फॉर्म साइटोक्रोम बी सिक्स एफ से पीएस वन पे दे सकता है, पीएस वन से इस पे नहीं देता, पीएस टू से, पीएस टू से देख बेटा, पीएस टू से प्लास्टोक्विनोन किस पे दे सकता है। अच्छा प्लास्टोक्विनोन कहां है, ये रहा प्लास्टोक्विनोन क्या करेगा, पीएस टू से साइटोक्रोम बी सिक्स एफ, ठीक है ये हो सकता है, साइटोक्रोम बी सिक्स एफ से पीएस वन प्लास्टोक्विनोन, ये फियोफाइटिन है तो हम क्या लिख सकते हैं, पीएस टू टू साइटोक्रोम बी सिक्स एफ, तो हम इसको प्लास्टोक्विनोन क्या करेगा, इसके थ्रू इसको देगा, ये ज्यादा ठीक है बेटा, ये ज्यादा ठीक है, ठीक है। प्लास्टोक्विनोन क्या कर रहा है, साइटोक्रोम बी सिक्स एफ से पीएस वन को दे रहा है लाइट रिएक्शन, ये ज्यादा ठीक है क्योंकि इसमें साइक्लिक नॉन साइक्लिक दोनों कवर हो रहा है, ठीक है। यस सर ये भी ठीक है, हाँ ये गलत तो नहीं है, ये गलत नहीं है, पीएस टू से साइटोक्रोम बी सिक्स एफ या साइटोक्रोम बी सिक्स एफ से प्लास्टो पीएस वन, दोनों ही ठीक है वैसे तो, पर ज्यादा ठीक वो है, ठीक है। आगे आ जाओ, कुछ कह रहे हैं डी सर हमारी बुक में, छोड़ना क्या करना है। ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक व्हेन इलेक्ट्रॉन लॉस्ट फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर पीएस टू, हाँ भाई ऑक्सी कहां से आता है, ये कहां से आता है, पानी से, पानी से आता है बेटा, इधर ध्यान दे, पानी से आता है, अरे हाँ यार कर लियो खुद से, इधर ध्यान दे। नेक्स्ट आ जा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन सी फोर प्लांट साइट ऑफ रूबिस्को एक्टिविटीज, भाई मुझे बता सी फोर प्लांट में रूबिस्को कहां है, मेसोफिल सेल में नहीं बंडल सीड सेल में, क्या पूछा, इनकरेक्ट पूछा, सब्सटेंस मॉलिक्यूल ऑफ रूबिस्को इज फाइव कार्बन कंपाउंड, आर यू बी पी होता है, हाँ ये सही है, रूबिस्को एक्शन रिक्वायर एटीपी और एनएडीपीएच, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन सी फोर प्लांट रूबिस्को एक्टिविटी इज मेसोफिल सेल, रूबिस्को एक्शन रिक्वायर एटीपी एनएडीपीएच, रूबिस्को इज बाई फंक्शनल एंजाइम, देख बेटा मेरे हिसाब से सी फोर प्लांट द साइट ऑफ रूबिस्को एक्टिविटी, ये ज्यादा गलत है, ऑल्दो ये भी पूरी तरह से ठीक नहीं है पर ठीक है, स्टिल स्टिल अगर मैं बोलूं कि CO2 फिक्सेशन के लिए मुझे ये चाहिए चल जाएगा, 96 का फर्स्ट ज्यादा गलत है। यस इन हैसलेक पाथवे द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, हैसलेक मतलब C4, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन है, पीपी है, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, कहां गया ये रहा। यस कर लोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, भाई लाइट रिएक्शन में एटीपी बनता है, एनएडीपीएच बनता है, देखो इसमें प्रोडक्ट बोला है, इसमें कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बोला, कुछ इंटरमीडिएट नहीं बोला, इसलिए सेकंड आएगा, ये रेस्पिरेशन में बनता है, और अगर ये ना लिख के कुछ और लिख रहा होता तो ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट है। यस और यहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं लिखा हुआ, लाइट रिएक्शन लिखा हुआ, और देख लो विद रिस्पेक्ट टू फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, लाइट सेचुरेशन फॉर CO2 फिक्सेशन, ये देखो 10% पे हो जाएगा, एनहांस करेगा, आप लाइन चेक करो, CO2 कंसंट्रेशन इतना करने पर एनहांस नहीं करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा, यही गलत है, नॉट करेक्ट में। C3 प्लांट रिस्पॉन्ड टू हाइयर टेम्परेचर विद एनहांस फोटोसिंथेसिस व्हाइल C4 प्लांट हैव मच लोअर, ये भी गलत है यार, ये गलत है। टोमेटो इज ग्रीन हाउस क्रॉप विच कैन बी, ये ठीक है। अब इसमें बेटा देख मेरी बात सुना, एनसीईआरटी क्या लिखती है कि जब मैं बहुत इससे भी ज्यादा लेकर जाता हूं तो डिक्रीज होता है, तो अगर मुझे इसमें और इसमें कंपेयर करना हो, C3 प्लांट रिस्पॉन्ड ये गलत है, यहां C4 चाहिए और यहां C3 चाहिए, तो ज्यादा गलत ये है, थर्ड आएगा, ज्यादा गलत ये है, थर्ड आएगा बेटा, मेरी बात सुन ध्यान से, लाइट सेचुरेशन ये ठीक है, इंक्रीजिंग CO2 कंसंट्रेशन अप टू कैन एनहांस CO2 कैन एनहांस तक ठीक है, क्योंकि उससे ज्यादा जाएगा तो नुकसान होगा, C3 प्लांट नहीं C4 प्लांट, थर्ड ज्यादा, हां यस, ऑल्दो अगर इसमें ऑप्शन हो तो सेकंड थर्ड में दोनों को ले सकता था। पीपी इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर किसमें, C4 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटीन एंड वॉटर सोल्वेंट, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, लिपिड होते हैं क्लोरोफिल जेंथोफिल, है ना ये लिपिड होते हैं,
और ये क्या बोल रहा है, एंड वॉटर सोल्यूबल फोटोसिंथेटिक, एंथोसाइनिन आएगा बेटा, एंथोसाइनिन है ना, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अच्छा फोटोसिंथेटिक है, ये आएगा फाइकोसाइनिन आएगा, यस एंथोनी आएगा, फाइको आएगा बेटा। रीजन बता रहा हूं क्योंकि एंथोसाइनिन फोटोसिंथेटिक नहीं होता पर वॉटर सोल्यूबल होता है। आरयूवीपी बाइंड विद ऑक्सीजन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ, ये गलत है ना भाई, आरयूवीपी ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके कितने बनाती है फॉस्फोग्लाइकोलेट के, एक पीजी बनाती है ना, पीजी कितना बनाती है एक, यस सी थ्री प्लांट नॉट सी फोर, ये सही है। देर इज नो सिंथिस ऑफ एटीपी, ये ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन में लिए लाइन अभी करी हमने, रूबिस्को हैव हायर एफिनिटी फॉर सीओ टू, ये ठीक है। तो ये गलत, आप देखो ये लाइनें कितनी डीप उसने पूछी है, एफिनिटी वाली मैंने आपको कहा था, देख लो ध्यान से। एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी है, यस और नो? अच्छा आप पूछ रहे हो कैसे कौन सा, बेटा मेरी बात सुन, देख मेरे पास ये दोनों मान ले वॉटर सोल्यूबल हैं, तो एंथोसाइनिन मेरे को शायद पता है, जहां तक याद है आंसर हमने यही मार्क किया था, है ना, क्लियर है? तो मैं एक बार क्रॉस चेक कर सकता हूं, पर मेरे हिसाब से फाइकोसाइनिन फोटोसिंथेटिक होता है, ठीक है, फाइकोसाइनिन होता है, पर ये दोनों वॉटर सोल्यूबल है, ये तो है ही नहीं, ये तो लिपिड होते हैं, ठीक है, क्लियर है? यस, क्योंकि अब हम ये पढ़ाते ही नहीं बेटा, ये टॉपिक नहीं पढ़ाते हैं, ना ये आता अब, ठीक है, क्लियर? काफी सारे टॉपिक मना कर देते हैं। सी थ्री और सी फोर में क्या डिफरेंस है, कैल्विन साइकिल दोनों में होती है, ग्लाइकोलिसिस दोनों में होती है, रेस्पिरेशन दोनों में होती है, फोटो रेस्पिरेशन, यस ठीक है बेटा, बस खत्म। फाइटोक्रोम क्या है, क्रोमो प्रोटीन है ये, पर इसका क्वेश्चन नहीं है, पीजीआर का क्वेश्चन है बेटा, ये है नहीं तुम्हारे सिलेबस में, क्रोमो प्रोटीन ही इसका क्वेश्चन ही नहीं है, ये भी प्रोटोन ना भाई, प्रोटोन कहां मिलेगा, हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटोन कहां मिलेगा, थाइलाकोइड के ल्यूमन में, ये आएगा सेकंड। चलो मैं इस पीडीएफ में कुछ क्वेश्चंस आपको छोड़ रहा हूं, आप उन्हें बनाएंगे, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस हैं उसको मैं छोड़ दूंगा, आप बनाएंगे और नेक्स्ट सेशन में एक और चैप्टर लेंगे। अब मुझे बताओ क्या आपको ये समझ में आया, हम कैसे करने वाले हैं, मैं एनसीईआरटी कराऊंगा, उसके क्वेश्चंस कराऊंगा, उससे आपको चीजें रिवाइज हो जाएंगी, पर मैं रिपीट कर रहा हूं, प्लीज वन शॉट लेक्चर्स, या आपको जहां से भी देखना है बैस से कहीं से देख लो, आपको फायदा होगा, उसके बाद आप पॉडकास्ट या कैसे भी नोट्स रिवाइज करके आओगे, आपको डेफिनेटली फायदा होगा, कुछ डीप लाइनें एनसीईआरटी की आपके समझ में आएंगी और आपको होने लगेंगी। इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन जो बाहर के आते थे 2017 से पहले 16 में भी एक आध पूछा हुआ है, पर एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं जाएगा, प्लीज एनसीईआरटी की लाइनों को डीपली पढ़े, ठीक है? यस, रेस्पिरेशन नेक्स्ट लेने से पहले मैं उसका एक पार्ट बचा हुआ है वो दे दूंगा, चैप्टर फिनिश हो जाएगा, आप जहां से भी चाहें रेस्पिरेशन इन प्लांट देख ले वन शॉट, उसके बाद उसका पॉडकास्ट दे दूंगा मैं, वो आपको रिसेंटली मिल जाएगा। इसके अलावा आप में से बहुत सारे बच्चे जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो जेनेटिक्स की मैंने जो एनसीईआरटी लेवल अप स्टार्ट की थी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वो मैं आपको दे दूंगा, यस, पर मैं आपको कोशिश करूंगा क्योंकि मुझे और प्रिपरेशन करनी है, एनसीईआरटी की लाइनें कहां रखनी है, क्वेश्चन कहां रखना है, चीजें और बेटर वे में करेंगे, पर एनसीईआरटी की हर एक लाइन से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको बना बना के दूंगा और उससे आपको करना है, ठीक है? ठीक है, क्वेश्चन हमने किए हैं, क्वेश्चन को देखो, मैं इसकी पीडीएफ डाल रहा हूं, एक बार क्वेश्चन को देखो, समझने की कोशिश करो, लाइनें देखो, इतने से बाहर नहीं जाएगा कुछ भी। अच्छा अभी सॉल्व करते वक्त हो सकता है जैसे एंथोसाइनिन फाइकोसाइनिन, मेरे हिसाब से मतलब फोटोसिंथेटिक लिखा है, शायद एंथोसाइनिन नहीं होता, वो हम देख लेंगे, ठीक है बेटा? ठीक है, चलिए मिलेंगे बेटा नेक्स्ट सेशन में जल्दी, बाय, और प्लीज पढ़ाई करिए। कल सर्वेश सर का जो सेशन आएगा मोल कॉन्सेप्ट में कुछ नया वो लेकर आने वाले हैं, उन्होंने बोला है कि मैं थ्योरी के भी अच्छे क्वेश्चन बना के लाऊंगा ताकि बच्चों को फायदा हो, क्योंकि क्वेश्चंस तो आप बहुत सारे करते हैं, सीएसडी करते हैं, फिर उसके बाद फिर आपके पास आदित्य सर है और सभी लोग कोशिश कर रहे हैं कुछ अलग कराएं आपको ताकि लास्ट मोमेंट पे आपका लेवल बढ़ा सके, वही लेक्चर फिर से लाके वन शॉट, वो बेटा फिर लास्ट में हम लोग परिवर्तन में ला ही रहे होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन बार बार वही चीज करा के नहीं फायदा होगा, यस ठीक है, मिलते हैं बेटा, बाय, ठीक है, यस।